ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि पुरुषोत्तम अधिक मास में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के भक्तों के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत के सत्र में कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के कालिया दमन लीला और गोवर्धन लीला है ना, इसके ऊपर कथा करने का निवेदन किया है। तो आप लोग जानते ही हैं कि श्रीमद् भागवतम में मुख्य 10 विषय हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय। तो ये 10 अध्याय 10 स्कंद 12 स्कंद में ये 10 विषय व्याप्त हैं। सर्ग भगवान की सृष्टि, विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि, स्थानम अलग अलग जीवों को कर्मानुसार स्थान विशेष, पोषणम भगवान के द्वारा अपने भक्तों का विशेष रूप से संरक्षण, अगर भगवान के भक्त हुए जैसे अजामिल, चित्रकेतु, इंद्र, अगर वो गलती भी करें तो भगवान उनको विशेष रूप से कृपा करते हैं, उनको गलती करने पर भी इतना अधिक दंड नहीं देते हैं, एक अवसर देते हैं। इसे कहते हैं पोषणम। पोषणम अर्थात कृष्णास पार्शियलिटी टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। अगर कोई भक्त नहीं है तो भगवान जबरदस्त दंड देंगे और तिलक लगा लिया, कंठी माला लगा लिया, थोड़ा माफ कर देंगे। कोई मेरे को कह रहा था कि आप लोग 12 महाजन की बात करते हो, मेरा महाजन तो अजामिल है। एक कॉलेज का स्टूडेंट मेरे को कह रहा था मेरा महाजन अजामिल है। मैंने कहा क्यों भाई? क्या वो भक्ति भी किया और मजा भी किया, और मजा भी किया और भगवत धाम भी गया, तो ये हमारे महाजन है। तो ये पोषणम शब्द का अर्थ ये है कि भगवान अपने भक्तों को गलतियां करने पर भी क्षमा कर देते हैं, अवसर देते हैं। ऊतय अर्थात शुभ अशुभ इच्छा। ऊतय का अर्थ है वो भावना जो हृदय के भीतर से ऊपर उठ के आए, ऊती। सप्तम स्कंद में शुभ अशुभ इच्छा का परिचय आता है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच। हिरण्यकशिपु अशुभ इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रहलाद शुभ इच्छा का। तो हमारे हृदय के भीतर निरंतर शुभ और अशुभ इच्छाओं के बीच द्वंद्व चलता रहता है। ऊतय मनवंतर अर्थात अष्टम स्कंद में भगवान ये कहते हैं कि मैं अपने सभी अलग अलग अवतारों में इस सृष्टि की रचना में भी सहायता के लिए आता हूं। सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात ऐसा नहीं कि मैं भूल जाता हूं। तो भगवान मनवंतर मनु के काल में अलग अलग रूप में प्रकट होकर मनुओं की सहायता करते हैं और उसके अंतर्गत
कई राक्षसों का संहार करते हैं, भक्तों को परिचय देते हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष इत्यादि की लीला में भगवान प्रकट हुए, समुद्र मंथन में भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में, कूर्म के रूप में, विविध विष्णु के रूप में प्रकट होकर सहायता करते हैं। ईशानुगता अर्थात भगवान के अलग अलग लीलाओं के परिचय, निरोधा अर्थात 12वें स्कंद में प्रलय, अर्थात ये जब भौतिक जगत में व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करे, काल के प्रभाव से जगत समाप्त हो जाएगा, सृष्टि की रचना समाप्त हो जाएगी, भौतिक तत्व तो विनष्ट हो जाएंगे, लेकिन काल के अंतर्गत सब कुछ नष्ट हो जाएगा, एक वस्तु नष्ट नहीं होती। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो जाएंगे, शरीर इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी, आपके बड़े बड़े विशाल प्रासाद, महल, शिखर, पहाड़, हिमालय पर्वत, विशाल जलाशय, सागर, 33 कोटि देवता, यमराज, यमदूत, सबका विनाश हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। संकर्षण के मुखारविंद से जब विशाल मात्रा में गगनचुंबी ज्वालामुखी निकलती है, प्रलय के समय कोई नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट होता है, लेकिन एक वस्तु नष्ट नहीं होती, वो है हमारे और आपके हृदय में जो भौतिक इच्छा उमड़ रही है, वो इच्छा को संकर्षण के मुख से निकलता हुआ अग्नि भी समाप्त नहीं कर सकता। वो हमारे हृदय के अंदर पनपता हुआ इच्छा इतना प्रभावशाली है कि जगत का कोई तत्व उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरो दासे त्रिनापेखा अति हीना। इस तत्व को समाप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान की कृपा। जब भगवान संतुष्ट होते हैं, केवल उनके संतोष मात्र से, उनकी इच्छा से ये भौतिक इच्छा समाप्त हो सकती है, अन्यथा भौतिक जगत का कोई भी तत्व उसको नहीं काट सकता। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कृपा बिंदु दिया, कृपा की बिंदु दीजिए। आप लोग अस्पताल में अलग अलग प्रकार के ड्रॉप्स बांटते हो, कभी ईयर ड्रॉप, कभी नोज ड्रॉप, कभी ये ड्रॉप, वो ड्रॉप, अलग अलग चीज को पिघला देता है। वैसे ही गुरु की कृपा ये मिथ्या अहंकार के दोष को समाप्त करती है, पिघलाती है। तृणापेक्षा अति हीना, और तब जाकर तृण से भी अधिक विनम्र व्यक्ति बनता है। अर्थात लोगों को लगता है कि डायमंड सबसे शक्तिशाली तत्व है, किसी को लगता है स्टील है, किसी को लगता है फलाना है ठिकाना है, लेकिन सबसे कड़क तत्व है अहंकार। ये जालिम अहंकार को कोई नहीं काट सकता इस जगत में। और भगवान कहना चाहते हैं, इसलिए अलग सा एक स्कंद दिया है उसके लिए, 12वां स्कंद निरोध प्रलय, टॉपिक है प्रलय। प्रलय क्यों महत्वपूर्ण है, प्रलय क्यों आता है भागवत में, ये बतलाने के लिए कि अपने वर्तमान जीवन काल में वैष्णवों का संग लाभ लेकर, वैष्णवों की सेवा का अवसर प्राप्त करके, वैष्णवों को संतुष्ट करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, भगवान के हृदय को स्पर्श कर, जब तक भगवान की कृपा और आशीष के माध्यम से हृदय के भीतर छिपे हुए हिमालय रूपी अहंकार का दमन नहीं करेंगे, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमको करोड़ों बार जन्म लेना पड़ेगा। प्रलय होने के बाद ब्रह्मा जी के रात्रि काल में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक सुप्तावस्था में रहकर पुनः हमको जागृत होके इस जगत में आना पड़ेगा। तो इसलिए जो हृदय के अंदर अहंकार है, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए केवल एक ही तत्व काम आता है, वो है वैष्णवों का आशीर्वाद। तो समझना चाहिए कि हमको लगता होगा कि ये भौतिक जगत में बड़े बड़े
पंच महाभूत शक्तिशाली हैं, देवतागण शक्तिशाली हैं, भगवान की काल शक्ति शक्तिशाली है, लेकिन भगवान की काल शक्ति से अधिक शक्तिशाली है हमारे और आपके बगल में बैठा हुआ तिलकधारी वैष्णव, जो केवल अपने हृदय की इच्छा मात्र से अपने हृदय के अंदर बैठे हुए अहंकार को नष्ट कर सकता है। तो इसलिए वैष्णव सत्संग बहुत शक्तिशाली है, और ऐसे वैष्णव सत्संग में जब हम कथा कीर्तन करते हैं तो इससे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई तत्व नहीं। निरोध, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है भागवत का यह बतलाने के लिए कि अगर इतने कम समय में हमने सत्संग का लाभ नहीं लिया तो फिर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेते ही चले जाएंगे। और 11वें स्कंद का विषय है मुक्ति अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, और 10वें स्कंद का विषय है आश्रय, आश्रय अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जीव का आश्रय। दशमस्य विशुद्धार्थम नमामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मान श्रुतेन अर्थेन अंजसा। और दशम स्कंद में इस आश्रय तत्व को और गहरे रूप से भगवान ने उसको हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। दशमस्य विशुद्धार्थम नमामिह लक्षणम, भागवत के 9 स्कंद का अंतिम मूल लक्ष्य है कि इस दशम स्कंद के आश्रय तत्व को हमारे सामने प्रस्तुत करना। वर्णयन्ति महात्मान श्रुतेन अर्थेन अंजसा। तो भागवत में जितनी भी कथाएं आती हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के लीलाएं हुई हैं, वो केवल इस दशम स्कंद के भगवान श्री कृष्ण के तत्व को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने और हम सभी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की एक लालसा जागृत करने हेतु ये अन्य सभी स्कंद, इनका वर्णन हुआ है। दशम स्कंद के प्रत्येक कथा के माध्यम से कृष्ण हम सभी को ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हमने कई कई व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, परिस्थितियों के साथ अपना संबंध नाता जोड़ा। हम सभी ने अपने इस जीवन काल में और पूर्व जीवन काल में विविध प्रकार के लोगों के साथ स्नेहिल संबंध स्थापित करके कुछ तनिक सुख प्राप्त करने का प्रयास किया, स्वप्न देखा, कल्पना की। तो भगवान कहना चाहते हैं कि इस जगत के किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ पूर्ण संबंध, परफेक्ट रिलेशनशिप रखने के बाद भी जो आपको लाभ प्राप्त होगा उसकी तुलना में आप मेरे साथ, कृष्ण के साथ एक क्षण मात्र का इम्परफेक्ट रिलेशनशिप, अपूर्ण संबंध भी स्थापित करो तो उससे और अधिक लाभ प्राप्त होगा। एन इम्परफेक्ट रिलेशनशिप विथ कृष्णा इज बेटर देन अ परफेक्ट रिलेशनशिप विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड। यह है दशम स्कंद का सार। इसीलिए दशम स्कंद के जो सर्वप्रथम असुर हैं जिनका वध कृष्ण करते हैं वो कौन है? दशम स्कंद के आरंभ में सबसे पहले जो असुर का वध हुआ, असुर का नाम क्या था? पूतना। तो पूतना वध के माध्यम से कृष्ण ये जगत के सामने विज्ञापन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, क्योंकि जब तक विज्ञापन नहीं होगा लोग समझेंगे नहीं कि क्या है, कृष्ण के साथ मैं संबंध स्थापित क्यों करूं। तो कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि देखो कि ये मेरे सामने ये असुर आई केवल एक इच्छा से, विष पान कराने। मन में इच्छा थी विष पिलाना, कार्य भी वही किया विष पिलाना, लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने की इच्छा भी वो रख रही थी तो कृष्ण ने केवल उस सार तत्व को ग्रहण किया और उनको माता का स्थान दिया। पदभ्याम भक्त हृदिस्ताभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदित ही अंगम यस्याह समाक्रम्य भगवान अपितत्स्तनम।
सुखदेव गोस्वामी पूतना की इस लीला को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं कि ये कृष्ण कौन है। अरे विवाह के पहले भी व्यक्ति देखता है कि किसके साथ हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिनके साथ हमको 40-50 वर्ष रहने हैं। बहुत गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया जाता है। कोई नौकरी किसी के साथ करता है तो ध्यान पूर्वक देखते हैं भैया किसको हम नौकरी में लगा रहे हैं, इसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो किसी के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं तो यह भय होता है कि आगे क्या होगा। तो यहां भगवान विज्ञापन करा रहे हैं कि देखिए पूतना ने मेरे साथ संबंध स्थापित किया, मेरा विनाश करने वो आई, मेरी हत्या करने आई। पदभ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल जो निरंतर 33 कोटि देवताओं के हृदय में विराजमान रहते हैं, भक्तों के हृदय में निरंतर महिमा मंडित रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के वो चरण कमल। पदभ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदिते ही अंगम यस्याह समाक्रम्य, भगवान श्री कृष्ण ने नन्हे से शिशु के रूप में अपने उन शक्तिशाली और अति करुणामय चरण कमलों को पूतना के शरीर से सटा दिया, स्पर्श करा दिया और पूतना के कोटि कोटि जन्मों के पापों को वहीं धो डाला। भगवान अपितस्तनम, और कृष्ण ने केवल क्या देखा कि पूतना हमें कुछ दे रही है। भगवान ने क्या देखा, पूतना हमको कुछ दे रही है। क्या दे रही है, विष दे रही है वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो दे रही है। ये भाव कृष्ण का कितना उदार है, कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। भगवान अपनी दृष्टि से कभी दोष नहीं देखते, वो दोष दृष्टि से मुक्त हैं। हम क्योंकि इतने संकुचित विचारधारा के हैं, हमको लगता है भगवान भी हमारे जैसे ही होंगे। लेकिन इसीलिए भगवान कहते हैं कि थोड़ा समय निकालकर भागवत सुनो और जानो कि आप में और मेरे में बहुत अंतर है। आप लोग प्रतिकार के भाव के साथ किसी के साथ संबंध रखोगे, लेकिन मेरे हृदय में प्रतिकार का भाव नहीं आता। पूतना हमें मारने आई, लेकिन या तो धानी अपि सा स्वर्गम अवाप जननीम गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम उपगावो न मातरा। जो स्त्री मुझे मारने के लिए आई, कृष्ण कहते हैं हमने उसको माता का स्थान दे दिया। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि वो हमको कुछ पिलाना चाहती थी। या तो धान्य अपि सा स्वर्गम अवाप जननीम गतिम, उसको जननी की गति दे दी। कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम उपगावो न मातरा। तो सुखदेव गोस्वामी प्रश्न कर रहे हैं, वृंदावन के जितनी महिलाएं हैं, जितनी गोपिकाएं हैं, जितने गोवत्स हैं, जितने ग्वाल हैं, उन्होंने जो कृष्ण को प्रेम से स्तनपान कराया, उनको क्या गति मिलेगी, कोई कल्पना भी कर सकता है क्या। कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम उपगावो न मातरा। इसलिए कृष्ण विज्ञापन करा रहे हैं कि भाई जो पूतना मुझे मारने के लिए आई, उसको मैंने मां का स्थान दे दिया। तो अगर आप लोग प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम हमको दोगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, सोचने वाली बात है। कोई भी सामान्य व्यक्ति विचार करेगा, हाँ भाई कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने में तो बहुत लाभ है। तो इसलिए दशम स्कंद श्रीमद् भागवत में आरंभ से यह परिचय आ रहा है कि कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने से क्या लाभ मिलेगा। और इसलिए निरंतर सब लीलाओं में वृंदावन धाम में हम देखेंगे कि एक और ब्रजवासी, तो ब्रजवासी बड़े प्रेम से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं कि अब उनकी लीला में पूरी तरह लीन है। और दूसरी ओर कंस मामा कृष्ण के हत्या के लिए अलग अलग विषैले दैत्यों को भेज रहा है,
और भांजे कृष्ण सोच रहे हैं कि मामा जी जो खिलौने भेज रहे हैं बेकार है, एक एक खिलौने को पकड़ पकड़ कर तोड़ कर फेंक देते हैं। तो कई ऐसे असुर आते हैं वृंदावन धाम में कृष्ण की हत्या करने, और कृष्ण उन सभी का समापन कर देते हैं। और आप में से कई लोगों ने इन कथाओं का श्रवण किया। और फिर नवम स्कंद में, नवम अध्याय में कृष्ण की ये लीला आती है, यशोदा माई और नंद महाराज के साथ। विशेष रूप से परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आता है, नेमम विरिंचो न भवो न शरीर अप्यंग संश्रेया प्रसादे लेभिरे गोपी यत्तक प्राप्य विमुक्तिदात। ठीक है वसुदेव जी, देवकी जी उन्होंने तो बहुत तपस्या की, लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि इतनी तपस्या करने के बाद, पूर्व जन्म में हजारों साल तपस्या करने के बाद, फिर भगवान श्री कृष्ण जेल में प्रकट हुए देवकी जी के गर्भ से, और प्रकट होने के बाद कम से कम कुछ तो लीला करना चाहिए था वसुदेव और देवकी के साथ। तुरंत वहां से उनको आदेश दिया, मुझे यहां से लेके जाओ, और लीलाएं की तो सीधा वृंदावन में। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति ये विचार करेगा कि मैं कुछ जप करूं तप करूं, अभी आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, तो हो सकता है कई लोगों के मन में भाव होगा कि कथा सुन के मुझे कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ लाभ होगा, कुछ उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। तो हम लोग भक्ति करते हैं और वो भक्ति का, तपस्या का और पुण्य का फल किसी और को मिल जाए तो फिर कैसा लगेगा। तो ये वसुदेव जी ने तपस्या की और कृष्ण ने सारी लीलाएं यशोदा और नंद महाराज के साथ की। ये हमारे कृष्ण हैं, क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कृष्ण पहले से हम लोगों को चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे दरबार में आना हो तो ये अपेक्षा करना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भाव के साथ जो आएगा वो प्रसन्न रहेगा, क्योंकि हमारी भक्ति में शांति नहीं है। है कि नहीं, कई लोग शांति की अपेक्षा करके आते हैं। एक जगह मैं जा रहा था, देखा बहुत बड़ा बिल्डिंग था, लिखा था सुख शांति अपार्टमेंट्स अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो शांति की कामना करके लोग आते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भैया वृंदावन धाम में मेरे प्राकट्य से पूर्व अपूर्व शांति थी। वृंदावन पूरा शांत था, वृंदावन के 12 वन बिल्कुल शांत थे, पूरा ठंडा था, कुछ नहीं था वहां पर, केवल गाय चरते थे, सब ग्वालबाल वहां घूमते थे, सब सन्नाटा था, सब शांति थी। जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए एक्शन शुरू हो गया। तो जब तक हाथ में माला न लो, तिलक न लगाओ, कंठी माला न पहनो, शांति ही शांति रहेगी। और जैसे ही आपने भगवान का नाम लिया हरे कृष्णा और कृष्ण को पुकारा, तो कृष्ण जैसे ही प्रकट होते हैं समझ जाना कि वृंदावन में प्रवेश कर रहे हो। और वृंदावन अर्थात मथुरा से कंस भी असुर भेजेंगे, तो ऐसी तैयारी में जो उतरेगा मैदान में वही भक्ति में प्रसन्न रहेगा। नहीं तो हम देखते हैं कि इस्कॉन में प्रवेश करने के बाद कई डिवोटी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं शांति की कामना से इस्कॉन में आया, यहां पर शांति क्यों नहीं है। तो भगवान कहते हैं कौन से श्लोक में मैंने कहा कि शांति मिलेगी, कहीं कहा क्या भगवान ने? ये नहीं कहा मैं शांति दूंगा, भगवान ने कहा सेवा दूंगा, प्रचुर मात्रा में सेवा मिलेगी, लेकिन शांति की कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पर एक उनको सज्जन मिले और बोलने लगे कि आप इतनी दूर अमेरिका क्यों आए हो, सन्यासी को तो ओशन पार नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट क्रॉस ओशन।
आपको तो भारत में रहना चाहिए, वो भी इंडियन था, तो प्रभुपाद बोलते तुम क्यों आया, तुम भी तो इंडियन है। तो वो कहता है फॉर हायर प्रॉस्पेक्ट्स, और कुछ कमाने के लिए। प्रभुपाद ने कहा मैं भी उसी लिया है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने हमको कहा कि यहां जाओ। तो प्रभुपाद भी 70 साल की उम्र में पूरे शांति में थे, चाहे तो बैठ के भजन कर सकते थे सेवा कुंज में, लेकिन प्रभुपाद क्यों गए? केशव जी गौड़िया मठ के ऊपर लॉफ्ट पे बैठ के प्रभुपाद प्रसाद पा रहे थे, अचानक दो लोग आए और ऊपर आकर देखा प्रभुपाद जी एक दूसरे सन्यासी गुरु भाई के साथ प्रसाद पा रहे हैं, वो दोनों लोग नीचे उतर के चले गए। प्रभुपाद कहते हैं दूसरे सज्जन को, उनके गुरु भाई को, ये गेस्ट लोग आके देख रहे हैं कि दो बूढ़े लोग बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि ये दोनों में से एक बूढ़े के हाथ में चैतन्य महाप्रभु के मिशन का भविष्य है, उनको पता नहीं है ये बात। तो इतना आत्मविश्वास था प्रभुपाद के अंदर कि वो गए पूरे देश विदेश में प्रचार करने के लिए। तो इसलिए वृंदावन लीला जब हम पढ़ेंगे तो कई बार हम लोग लीला सुनते समय, लीला पढ़ते समय अपने आप को लीला से अलग रखते हैं। हम लोगों को लगता है कि अरे मथुरा में बहुत घनघोर अत्याचार हुआ, वृंदावन में बहुत आक्रमण हुए, हे भगवान, लेकिन मेरे जीवन में शांति होनी चाहिए, मेरे घर में वृंदावन हो जाए, मेरे घर में वृंदावन जी आ जाए, वृंदावन नाथ आ जाए, वृंदावन बिहारी आ जाए, वृंदावन ये आ जाए, वृंदावन वो आ जाए। लेकिन भूल जाते हैं कि वृंदावन मतलब एक के बाद एक असुरों की लाइन लगती है। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि इतना हलचल क्यों हो रहा है भक्तों के संग में, हरे कृष्ण जप रहा हो तो भी क्यों अशांति है? अरे वृंदावन की लीला खोल के देख रहे हो, शांति कहां है जरा बताओ। सामान्य गरीब व्यक्ति का भी जन्म आजकल कोई डिसेंट जगह होता है। हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम षडेश्वरशाली वक्षो विलासिनी जो लक्ष्मी उनके यहां महाशय उनके वक्ष स्थल को चूमती है, ऐसे कृष्ण का जन्म हो रहा है कहां? जेल में। सोचो भगवान का जन्म जेल में हो रहा है। तो उसी से भगवान हम लोगों को प्रमाणित कर रहे हैं कि भौतिक जगत में बहुत कुछ उल्टा होगा, जब मेरा जन्म ही उल्टा हो रहा है तो तुम लोग मेरे सामने माथा टेक कर क्या शांति शांति कर रहे हो? मेरा जन्म ही बड़े अशांति में हो रहा है। तो इसलिए ये दशम स्कंद की लीलाओं में हम देखेंगे कि निरंतर ब्रजवासियों को भगवान विविध प्रकार के चिंताओं में रखते हैं, लेकिन उन चिंताओं के माध्यम से कृष्ण ऐसे वैष्णवों के चिंतन को बढ़ाना चाहते हैं। तो उस भगवान की लीला के पीछे ये मुख्य कारण है कि कैसे भक्तों के हृदय में उनके प्रति चिंतन बढ़ाए। और इसलिए कृष्ण अलग अलग असुरों को बारंबार वृंदावन में प्रवेश कराते हैं, जिससे धीरे धीरे वैष्णवों का उनके प्रति प्रेम बढ़े, चिंतन बढ़े और लोग निरंतर कृष्ण का नाम लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हम देखेंगे कि दशम स्कंद के आरंभ से लेकर, कृष्ण के जन्म से लेकर, कंस के अत्याचार से लेकर द्वारका मथुरा लीला, द्वारका लीला में वैष्णव ब्रजवासी भक्तों के साथ लीला क्रीड़ा के साथ साथ अलग अलग असुरों का आक्रमण होता रहता है। तो इससे भगवान प्रमाणित करते हैं कि कभी हमें यह नहीं विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक सीधा साधा चलता रहेगा। चुनौतियां आएंगी और ऐसे चुनौतियों के परिवेश में ही हम भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो यहां पर दशम स्कंद के
16 अध्याय में कालिया दमन की लीला आती है, और ये बहुत ही सुंदर लीला है कि कृष्ण यहां पर श्री ब्रजधाम में अपने सभी ब्रजवासियों के प्रेममय परिवेश में है, और अचानक यहां पर कालिया नाम का सर्प कालिया दह के अंदर आश्रय लेकर बैठा है। तो वैष्णव आचार्य बताते हैं कि कालिया ये द्वेष का प्रतीक है, और वो द्वेष ब्रज के सभी ब्रजवासियों को समाप्त करने के दृष्टि से उसका ये विष उस जल के अंदर समाविष्ट हो गया है, और उस जल के अंदर समाविष्ट होने के कारण कोई पशु पक्षी ब्रजवासी उसके स्पर्श में आए उसका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है, और बड़ा भयावह रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कालिया वो तत्व है जो डायरेक्ट कृष्ण को अटैक नहीं करता, कालिया वो तत्व है जो अपने विषैले बातों से वैष्णवों की श्रद्धा को समाप्त करे, और जब वैष्णवों की श्रद्धा समाप्त होगी, जब उनकी भक्ति समाप्त होगी, तो फिर कृष्ण के ऊपर उसका असर होगा, और तब जाकर कृष्ण उनके लपेट में आएंगे और फिर उनको समाप्त करने का प्रयास करेगा। लेकिन कृष्ण अपने चरण कमलों की शक्ति से कालिया के तत्व को समाप्त करते हैं। भले ऐसे व्यक्ति के हृदय में यह भाव हो कि मैं अपनी वाणी से वैष्णवों के हृदय में किसी प्रकार से कोई संशय डालूं, कोई द्वेष घोल दूं, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कृष्ण के डायरेक्ट संरक्षण में आ जाए और कृष्ण उनको दंडित करे और कृष्ण के दंड का चिन्ह उनके मस्तक पर आ जाए, जैसे कालिया के मस्तक पर कृष्ण के चरण कमलों का चिन्ह आ गया, तो फिर उनके ऐसी आदतें समाप्त हो सकती हैं। तो इसलिए ये कालिया का जो सुंदर लीला है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही ब्रजभूमि वृंदावन धाम में कोई भी प्रवेश करे और कालिया दह के निकट भी आए, वो विषैले अस्तित्व से सबका समापन हो जाता था। तो कृष्ण ने देखा कि उनके ग्वाल बाल उस विष का पान करके समाप्त हो गए, और कृष्ण उसको देखकर घबरा गए, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि उनके ग्वाल बाल मित्र, उनके निकट के सौहृद नित्य सुखी रहें, संतुष्ट रहें। तो कृष्ण ने केवल अपने दर्शन मात्र से उनको पुनर्जागृत किया। तो यहां वर्णन आता है कि जैसे ही ये कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र वहां पर अचानक ये विष का पान करके गिर गए, तब भगवान श्री कृष्ण वहां आकर अपने नेत्रों से उनको पुनर्जागृत करते हैं। तो प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में वर्णन करते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि की शक्ति है, कृष्ण अपने दृष्टि के माध्यम से किसी को पुनर्जागृत कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के दृष्टि में अमृत है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के आरंभ के दिनों में पूरे विश्व भर में मंदिरों में अर्च विग्रहों की स्थापना की। जब अर्च विग्रहों की स्थापना की, हम लोग मंदिरों में जाते हैं, अर्च विग्रहों का दर्शन करते हैं, लेकिन भले हम उनका दर्शन करें ना करें, अर्च विग्रह हमारा दर्शन करते हैं, और जब भगवान हमारा दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी दृष्टि से अमृत हमारे हृदय में छलकता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ब्रह्म विमोहन लीला के समय वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के माध्यम से भगवान दो प्रकार का भाव अपने भक्तों के ऊपर व्यक्त करते हैं। वो क्या है?
वर्णन आता है कि भगवान अपने नेत्रों से भक्तों के हृदय के भाव को उत्पन्न करते हैं और अपने मुस्कान से भक्तों के सेवा के प्रति अपना संतोष व्यक्त करते हैं। और इसीलिए भगवान के अर्च विग्रहों का सुंदर दर्शन हम मंदिर में जब करते हैं तो भगवान अपने विग्रहों के माध्यम से, अपनी दृष्टि के माध्यम से भक्त के हृदय को पूरी तरह भक्ति भाव से पूरित कर देते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो सर्वप्रथम जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापित किया। जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापित किया वो भी कहां, सैन फ्रांसिस्को में। आज की तारीख में विग्रह की स्थापना होती है तो तीन तीन चार चार दिन का फेस्टिवल होता है, और उस समय प्रभुपाद जी ने कहा विग्रहों की स्थापना करनी हो कि हाथ में मोमबत्ती लो और घुमाओ। तो किसी ने पूछा कितनी बार घुमाओ, तो प्रभुपाद ने कहा जब तक हाथ थकता नहीं घुमाते रहो। और इस तरह से विग्रह की स्थापना हुई और जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापना हो गया, बलदेव जी सुभद्रा जी का स्थापना हो गया। अगले दिन प्रभुपाद जी दर्शन के लिए आए, देखते हैं जगन्नाथ जी गायब है। प्रभुपाद ने पूछा जगन्नाथ जी कहां गए, वो बोले बीच पे ले गए घुमाने। प्रभुपाद ने कहा बीच पे क्यों ले गए, तो उन्होंने कहा आप ही ने कहा कि जो आपको अच्छा लगता हो भगवान को ऑफर करना चाहिए, तो हम लोग को घूमना घामना अच्छा लगता है तो उसका भगवान बोर होते होंगे बैठे बैठे घुमा के लाते हैं। ये भक्तों का भाव था उस समय। तो प्रभुपाद जी ने प्रहलादानंद महाराज को लेटर लिखा कि तुम लोग मंदिर में आप पुजारी का सेवा कर रहे हो कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया सेवा तो अच्छी है, एक ही प्रश्न है कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, ये डीटीज का मुझे नाम ही नहीं पता। क्योंकि वो कौन से डीटीज थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र, एक ऐसे मंदिर में थे जहां वो भेजे गए और उनको मालूम भी नहीं था कि डीटीज कौन है। और जब वो आए तो उनको आरती के लिए दिया गया और पुजारी ने कहा कि केवल आप अगरबत्ती घुमाओ, उसके बाद दीप घुमाओ, ये घुमाओ वो घुमाओ, बोल के चला गया। कितना देर घुमाओ नहीं बताया, तो अगरबत्ती को लेके आधा घंटा घुमाए, दीप को लेके आधा घंटा घुमाए, पूरा आरती दो घंटा चला। उसके बाद किसी ने कहा दिन में छह आरती होती है। तब उनके मन में विचार आया कि ऐसा तो 12 घंटा निकल जाएगा, तो दूसरा जगह कंसल्ट किया कि क्या हुआ भैया, ये कितना देर में होता है आरती, तब मालूम पड़ा क्या है। तो प्रभुपाद जी ने इतने जगह उन्होंने विग्रह स्थापित की। न्यूजीलैंड में गए प्रभुपाद तो भक्तों ने क्या कहा कि वहां पर छोटा सा जगह था, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और ऑल्टर में उन्होंने एक मोटर रख दिया और घूमने वाला ऑल्टर बना दिया। सामने गौरनिता रख दिया, पीछे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रख दिया। बोले इतने से जगह में दोनों फिट हो जाएगा, जब चाहे दर्शन एडजस्ट करेंगे। प्रभुपाद आए, गौरनिता को प्रणाम किया, उठे तो देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। बोले घबरा गए, बोले क्या चल रहा है। तो ये विग्रहों की स्थापना की जिससे कि भगवान के नेत्र जब हम पर पड़े तो हमारी चेतना जो मृत अवस्था में है वो जागृत हो सकती है। इस भौतिक जगत के विषय भोगों का पान करके जो विषय विष से ज्यादा घातक भयावह होता है, प्रश्न किया जाता है आचार्यों के द्वारा, विष भी घातक है विषय भी घातक है, विष और विषय में कौन सा अधिक घातक है। तो कहा जाता है कि विष आत्मा को शरीर से दूर करता है इसलिए घातक है, लेकिन विषय आत्मा को कृष्ण से दूर करता है इसलिए सबसे अधिक घातक है। विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। केनो आचे प्राण की सुख पाया, नरोत्तम दास केनो नगेलो मरिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि विषय विषम विष सतत खाइनु, ये विषय भोग में सतत खा खाकर
गौर कीर्तन रसे मगन न हुईनु, महाप्रभु के कीर्तन में मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा। तो केनो आछे प्राण की सुख पाया, ये शरीर पाकर मैं अभी तक क्या कर रहा हूं। नरोत्तम दास केनो नागेलो मरिया, अरे अभी तक तो मुझे मर जाना चाहिए था। इस तरह वो पश्चाताप कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यहां पर कृष्ण सभी ग्वाल बाल मित्रों को अपने नेत्रों के शक्ति से, दर्शन की शक्ति से, अपने अमृत तुल्य दर्शन से पुनर्जागृत करते हैं। इसलिए कई बार लोग कहते हैं भगवान सर्वत्र हैं, विद्यमान हैं, मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, हम तो घर बैठे भी कुछ कर सकते हैं, हम तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी भजन कर सकते हैं, हम तो पान बीड़ी सिगरेट के दुकान में भी कर सकते हैं, है कि नहीं। मंदिर में आने की क्या आवश्यकता है। आप राधा गोपीनाथ मंदिर में देखो तो हमारा मंदिर बीच में है, गोपीनाथ, दाई ओर जाओ तो बाबुलनाथ और बाई ओर जाओ तो शंभुनाथ पान वाला। तो मंदिर का एड्रेस दे के बराबर आना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कोई शंभुनाथ में अटक जाएगा। दूर दूर से लोग आते हैं वहां पान खाने के लिए। तो वास्तव में जो विषय है, विषय भोग की लालसा, ये भगवान की दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो धीरे धीरे उससे हम उठते हैं, मृत चेतना से जीवित चेतना होने लगती है। तो इसलिए जब ग्वाल बाल मित्र पुनर्जागृत हो गए तो कृष्ण ने निश्चित किया कि अब सदा के लिए कालिया के द्वारा जो हम सभी भक्तों को ये इतना कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, इनको समाप्त कर रहा है, अब इस लीला को समाप्त करनी होगी। और कृष्ण एक कदंब के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो कालिया दह में आप जाओ तो वहां पर एक कदंब का वृक्ष है। तो आचार्यगण कहते हैं कदंब शब्द का अर्थ क्या है। कद शब्द का अर्थ है कुत्सित, कुत्सित अर्थात नीच, गिरा हुआ, मलिन, इम्प्योर, फॉलन, लो। और कुत्सित अम्ब, अम्ब अर्थात मां, अर्थात कुत्सित माता के गर्भ से, कुक्षी से जन्म लिया हुआ व्यक्ति, कदंब। ये संस्कृत के शब्दों के खेल का प्रभाव है। ऐसे और 100 अर्थ निकालेंगे लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिवेश में, इस शब्द का अर्थ कदंब का इस प्रकार निकाल रहे हैं। तो भगवान कदंब के वृक्ष पर खड़े होकर अपना फेटा बांधते हैं, अपने कमर पर जो कपड़ा है उसको कसते हैं और तैयार होते हैं इस कालिया दह में प्रवेश करने। तो भगवान सबको सूचना दे रहे हैं कि जब इस जगत में कोई भी व्यक्ति मेरे वैष्णव भक्तों की श्रद्धा पर हनन करेगा, आक्रमण करेगा, अपने द्वेषी विज्ञापन के माध्यम से उनके आस्था को समाप्त करने का प्रयास करेगा, हिलाएगा, विनाश करेगा, तो मैं तमाशा नहीं देखता रहूंगा, मैं प्रकट होऊंगा, मैं अवतार लूंगा। अवतार अर्थात दूसरों को तरने के लिए प्राकट्य। और भगवान कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कुत्सित अंब या नीच परिवार में भी जन्मा क्यों न हो, लेकिन अगर वो मेरे मिशन से जुड़ा हुआ है, मेरी भक्ति से जुड़ा हुआ है, मेरी चेतना से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर भी इस जगत में तारने की शक्ति मैं प्रदान करूंगा। अर्थात योग्यता जन्म के आधार पर नहीं, अन्यथा गुण, संग और अधिकार के आधार पर
मैं प्रदान करूंगा। तो इसलिए कदंब के वृक्ष से कृष्ण का छलांग लगाना आचार्यों के द्वारा इस प्रकार समझाया गया है कि चाहे व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से क्यों न हो, किसी प्रकार का जन्म क्यों न पाया हो, लेकिन अगर वो कृष्ण के संबंध में है तो इस जगत में उद्धार करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। तो किसी को यह विचार नहीं करना चाहिए कि हरे कृष्ण आंदोलन में, प्रचार करने में, दूसरों का उद्धार करने में जन्म किसी प्रकार से बाधक बन सकता है। नहीं बन सकता। इसलिए हम लोग पिछले जो अपने दामोदर लीला में भी देखी, भगवान श्री कृष्ण उखल खींच रहे हैं और उखल खींचते खींचते जा रहे हैं और वो उखल यमलार्जुन वृक्षों के बीच जाके अटक गया और जो कृष्ण ने खींचा, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी तब कहते हैं देवर्षि में प्रियतमो यद इमो धनदात्मजो तत्तथा साधेश्यामि यन गीतम तन महात्मना। दामोदर जी उखल को खींचते खींचते घूमते हुए जा रहे हैं, तब विचार करते हैं मन में, अरे देवर्षि ने कहा है, देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की है कि उद्धार करना है इन यमलार्जुन का। चलो भाई, क्योंकि देवर्षि नारद की इच्छा है तो इस दिशा में हमें जाना होगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा वैष्णवों की इच्छा के चैनल के अंतर्गत चलती है। वैष्णवों की इच्छा के अंदर इतनी शक्ति होती है कि भगवान श्री कृष्ण के चलते हुए वेग की दिशा बदल डाले, अन्यथा कृष्ण दामोदर उखल को लेकर एक दिशा में जा रहे थे लेकिन देवर्षि नारद के उस इच्छा का स्मरण करके उन्होंने दिशा बदल दी और तब जाकर वो उखल यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाके अटक गया और जब कृष्ण ने उसको खींचा तो वो दो विशाल यमलार्जुन वृक्ष गिर गए, तर गए, उनका उद्धार हुआ। दामोदर बंधे थे लेकिन बंधे हुए अवस्था में उन्होंने यमलार्जुन को मुक्त कर दिया। तो भगवान दो बातें बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्या कि भले उखल के अंदर कोई योग्यता न हो, उखल ने कौन सा बहुत बड़ा संस्कृत का पाठ किया था, उन्होंने क्या भक्ति शास्त्रों का पाठ किया था, उनके अंदर क्या योग्यता थी, वो तो उखल था, खल था। खल अर्थात जिसके चरित्र में दोष था, लेकिन चरित्र में दोष होते हुए भी क्योंकि वो कृष्ण से बंधा हुआ था, कृष्ण के साथ उनका गठबंधन था, कृष्ण का स्पर्श था और सबसे प्रमुख कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह के पीछे पीछे वो चल रहा था। ही वॉज फॉलोइंग कृष्ण। तो कह रहे हैं कि अगर कोई किसी के अंदर योग्यता न भी हो लेकिन अगर वो कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करे तो उसका उद्धार संभव है। ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरों का उद्धार करने की क्षमता और शक्ति आ जाएगी। तो कभी किसी को यह सोचना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए मैं क्या प्रचार करूंगा, मैं तो स्वयं बंधन में हूं, मेरे अंदर तो इतनी कुयोग्यताएं हैं, मेरे अंदर तो इतने दोष हैं, मैं कैसे कोई प्रचार कर सकता हूं, उद्धार कर सकता हूं। कृष्ण कहते नहीं, ये देखो उखल को, उसकी योग्यता क्या थी, मेरे पीछे पीछे चला, बस स्वयं बंधन में था फिर भी उद्धार कर दिया। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि अरे मैं कैसे प्रचार कर सकता हूं, अभी तो मैंने गीता नहीं पढ़ी। किसी को मैं कह रहा था जाके प्रचार करो, बोला नहीं मेरे को 700 श्लोक गीता याद करने के बाद मैं शुरू करूंगा। मैंने कहा मतलब इस जन्म में नहीं करोगे 700 श्लोक गीता कब याद करोगे और कब प्रचार आरंभ करोगे, बताओ, है कि नहीं। तो एक बिल्कुल कल्पना वाली बात है, एक डिवोटी वृंदावन में बैठे थे हंसदूत प्रभु और प्रभुपाद ने उनको कहा जाके प्रचार करो, वृंदावन में बहुत समय हो गया।
वो कहते नहीं नहीं अभी मैं योग्यता तैयार कर रहा हूं। तो प्रभुपाद ने कहा मैं चाहता हूं तुम श्रीलंका में जाके प्रचार करो। वो कहते हैं प्रभुपाद को श्रीलंका बहुत छोटा देश। प्रभुपाद कहते ठीक है कोई बात नहीं पाकिस्तान जाओ। वो कहते तुरंत नहीं नहीं श्रीलंका ही ठीक है। श्रीलंका में गए प्रचार करने के लिए। तो यहां पर एक दृष्टि से देखा जाए वास्तविक योग्यता क्या है, केवल वैष्णवों के इच्छानुसार कार्य करने के लिए तैयार हो गए तो चाहे किसी का कोई भी बैकग्राउंड क्यों न हो, चाहे कितनी भी हमारे दोष क्यों न हो, भगवान कहते हैं हम उसको देख लेंगे, चिंता मत करो, केवल आप भक्ति करने के लिए तैयार हो जाओ, हमारे इच्छानुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभुपाद के शिष्य थे हंसदूत प्रभु, और वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने मेरे को बीबीटी ट्रस्टी बना दिया। वो उनका नाम जो था पहले जर्मन नाम था हैंस कैरी, और जर्मनी के थे और अमेरिका में थे तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि जर्मन है जर्मन है, ये नाम है वो नाम है, क्योंकि एक प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत में जाता है और उसका नाम अलग रहता है तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं कई बार। तो अपने यहां भी अपन देखते हैं कभी कोई साउथ का आदमी है तो लंबा नाम होता है, कनकापति अपलाचलम शंकर लिंगम जगपति राजू। पासपोर्ट बनाने जाओ उसको लगता है 3 लोगों का पासपोर्ट बन रहा है, और चाइना में जाओ तो नाम सिंपल है हु हो गया, पूरा नाम ही आ गया एक में। तो जब प्रभुपाद ने इनको दीक्षा दी इनको नाम दिया हंस दूत अधिकारी, तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा इसका अर्थ क्या है। प्रभुपाद ने कहा तेरा पहले का नाम क्या था, हैंस, उसके आगे दूत लगा दिया, क्या बन गया हंस दूत, और दूसरा नाम क्या था कैरी था, उसके आगे अधि लगा दिया अधि कैरी। तो बोला यार ये तो मेरा दीक्षा के बाद भी नाम वही रहा। तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा मेरे नाम का अर्थ क्या है, तो प्रभुपाद कहते हैं भागवत पढ़ लो समझ जाओगे। तो बेचारे भागवत पढ़ पढ़ के ढूंढ रहे कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, नाम का अर्थ क्या है, मिला ही नहीं। तो दीक्षा में एक दूसरे जगह प्रभुपाद बैठे थे और कह रहे थे ब्रह्मानंद मतलब ये, कीर्तनानंद मतलब ये नाम मतलब ये, तो उनको लगा आज मिलेगा नाम का अर्थ मतलब। तो प्रभुपाद को पूछते हैं हंसदूत जी, प्रभुपाद जी हंसदूत कौन है, प्रभुपाद बोले तुम हो। बोले नाम का अर्थ नहीं मालूम पड़ा। तो प्रभुपाद ने कहा इतना नाम को लेकर परेशान क्यों होते हो, केवल तुम्हारे नाम में एक महत्वपूर्ण तत्व है वो है दास, है कि नहीं, आगे कोई भी नाम हो आगे क्या है दास, वो समझ जाओ। और एक बार दास भाव में काम करेंगे तो अपने आप योग्यता प्रकट हो जाएगी, और बॉस बनने का प्रयास करेंगे जो योग्यता है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए कृष्ण कदंब के वृक्ष से ऊपर उठकर छलांग लगाते हैं, और छलांग लगाने के पश्चात नीचे जब कालिया ग्रह में अंदर प्रवेश करके उस कालिया ग्रह को आंदोलित करते हैं, तो यहां पर वर्णन आ रहा है कि कैसे कालिया उस समय बड़ा आक्रोश में आ गया, और कालिया को लगने लगा कि ये कौन आ गया और कौन इस प्रकार से हमारे यहां हमारी शांति को भंग कर रहा है। तो कालिया उस समय इतना क्रोधित हो उठा क्योंकि उसको लगा कि कोई मेरे अनुमति के बिना यहां प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो उस समय कालिया उठ के कृष्ण के दर्शन करते हैं, और कालिया के इतने फण और इन सभी अनेक अनेक फणों से केवल विष ही निकलता था। तो अमृत तुल्य कृष्ण को भी देखकर कालिया के अंदर उनको देने लायक केवल विष ही था। और तब कृष्ण कालिया के फणों के बीचों बीच आ गए,
और कालिया ने कृष्ण को अपने फणों के बीच रखकर दबाने का प्रयास किया और कृष्ण कालिया के फणों के ऊपर चढ़कर नृत्य करने लगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिशाली हैं और इस जगत के कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम भगवान हैं। कई लोगों को पूछो कहेंगे हम भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, आप भी भगवान हो, ये है वो है। एक छोटा सा सांप को देखकर झटका खा जाएंगे। इतना विषैला सर्प कालिया उसके मस्तक पर चढ़कर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। अरे सामान्य फर्श के ऊपर नृत्य करना मुश्किल होता है, कहां सांप का हिलता हुआ सर, और वो भी एक नहीं सौ के ऊपर फणों के ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और वो एक ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, और कृष्ण उसके ऊपर बैलेंस पा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, है कि नहीं। हमारे मंदिर में पहले मंगल आरती में बहुत धुआंधार कीर्तन होता था, तभी हम लोग भी बहुत जवान थे और बहुत नए नए ब्रह्मचारी ज्वाइन हुए थे, तो 10 मिनट के बाद सब कूदने लगते थे, घूमने लगते थे। तो हमारे कुछ वहां पर गेस्ट नए नए आए, नए नए गेस्ट पहली बार आकर देख रहे थे, अरे इतना अंधेरे में नाच रहे हैं सब लोग, घूम रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में आया, उनका दिमाग घूम रहा था देखकर। तो फिर उसमें हमारा जो यहाँ पे आजकल आपका है ना दैत्य कृष्ण, उस समय मंदिर में हमारा था कुक था, वो भी उस समय हट्टा कट्टा था, उसको पकड़ के सबने घुमाया और इतना वो उसका वजन था उस समय कि उसका बैलेंस नहीं रह पाया, वो घूम घूम के सीधा फाउंटेन के अंदर गिर गया। वो आराम से फाउंटेन में गिरा और फाउंटेन का पानी उछला बाहर। तो बेचारा गेस्ट जो आया था उनको लगा कि रोज ऐसा होता है। रोज यहाँ का नियम है, वो घबरा के पीछे हट गए, बोले थोड़ी शांति होगी उसके बाद हम आएंगे यहां पर। तो सामान्य कोई हॉल के अंदर नृत्य करना मुश्किल होता है, और कृष्ण कहां नृत्य कर रहे हैं, कालिया के मस्तक के ऊपर चढ़कर, सोचिए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के उस अवस्था को देखकर जब कृष्ण सारे कालिया के पूरे पंजों के अंदर थे तो सारे ब्रजवासी बड़े परेशान हो गए। और तब यहां वर्णन आता है, अथ ब्रजे महोत्पात त्रिविदस्त ही दारुण उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मनि आसन्न भय संशिन। तो उस समय वृंदावन में अनेक अनेक प्रकार के उत्पात के चिन्ह मच गए और उन उत्पात के चिन्हों को देखकर अशुभ की आशंका पाकर सारे ब्रजवासी चिंतित हो गए और उनको लगा कृष्ण और ग्वाल बालों को कुछ हो गया है। और तब उस समय सारे ब्रजवासी अपने सारा कार्य छोड़कर नंद महाराज यशोदा माई समेत सब भागे कालिया ग्रह की ओर देखने के लिए कि कृष्ण को कुछ हो तो नहीं गया। यह है वृंदावन धाम। वृंदावन की चेतना यह है कि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, कृष्ण का संरक्षण ही श्रेष्ठ है, कृष्ण को बचाना ही श्रेष्ठ है। जब हम कृष्ण की चिंता स्वयं की चिंता से अधिक करें वो ब्रज की भावना है। जब हम व्यक्तिगत निजी चिंता को कृष्ण की चिंता से श्रेष्ठ माने वो ब्रज की भावना नहीं है। तो इसलिए वृंदावन के लीला सुनना आसान है, वृंदावन की कथा करना आसान है, लेकिन वृंदावन के भाव को अनुभव करना बहुत कठिन है। क्योंकि सामान्यतया कोई भी व्यक्ति जब किसी आपातकालीन परिस्थिति में आता है तो सर्वप्रथम अपने ही विषय में सोचता है कि मेरा सब ठीक तो है, लेकिन ब्रजवासी कैसे हैं, जैसे ही आपातकालीन परिस्थिति आती है सर्वप्रथम मन में आता है कृष्ण ठीक तो हैं,
ये भाव आना कई कई जन्मों की तपस्या के पश्चात भी वैष्णवों की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए यहां सारे ब्रजवासी भागते भागते जा रहे हैं कृष्ण को ढूंढते हुए, और तब बलराम जी ब्रजवासियों के इस भाव को देखकर हंसते हैं। ताम तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बलह प्रहस्य किंचित नोवाच प्रभावज्ञो अनुजस्य वै। तांस तथा कातरान वीक्ष्य, बलराम जी कातरान वीक्ष्य ब्रजवासी के इस चिंता को देखकर भगवान माधवो बलह, तो बलराम जी को तीन रूप में संबोधित किया गया है, भगवान माधव और बलह। प्रहस्य किंचित, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और क्यों हंस रहे हैं? प्रभवज्ञो अनुजस्य वै, इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि बलराम जी जानते हैं कि ये कृष्ण है, कृष्ण का कौन बाल बाका भी कर सकता है। प्रभवज्ञो, वो जानते हैं उनका प्रभाव क्या है, मेरे भाई का प्रभाव क्या है, वो कृष्ण है, सबका रफा दफा कर देगा, ये कहां किसकी चिंता लेके भाग रहे हैं, अरे वो इनको बचाने वाला है, ये भाग रहे हैं जैसे ये उनको बचाएंगे, इसको देखकर बलराम जी हंस रहे हैं। लेकिन बलराम जी को हंसते हुए देखकर सुखदेव गोस्वामी थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं कि ये तो बड़ा निर्लज है, अरे कृष्ण वहां मर रहा है और बलराम जी हंस रहे हैं, प्रहस्य किंचित नोवाच, अरे कृष्ण ऐसी दुर्दशा में है, बलराम जी को शोभा देता है कि हंसते हैं, इसलिए उनको क्या शब्द से संबोधित करते हैं? माधवो, माधव अर्थात जो मथुरा के निवासी होते हैं उनको कई बार माधव कहते हैं। तो मथुरा में जो मधु का पान करके जो नशे में रहते हैं, तो इसलिए उनको नाम दे दिया है माधव, कि बलराम जी वारुणी पी पी कर कई बार नशे में रहते हैं, ऐसे नशे के अवस्था में रहे होंगे इसलिए वो नशीले अवस्था में हंस रहे हैं। और कहते हैं बलह, बल अर्थात जिसका बल अधिक होता है अक्कल कभी कभी कम होता है, इसलिए वो समझ नहीं रहे कहां हंसना है कहां चिंता दिखाना है। बेचारे ब्रजवासी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और बलराम जी बड़े ही अनासक्त होकर विरक्त होकर हंस रहे हैं, अर्थात ये भाव इंगित कर रहे हैं कि ब्रज का रस है कृष्ण के ऐश्वर्य को समझना नहीं, कृष्ण के माधुर्य और कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव व्यक्त करना। सामान्य व्यक्ति भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे बचाओ, और ब्रजवासी कहते हैं कृष्ण हम आपको बचाएंगे, तो ये सारे ब्रजवासी भाग रहे हैं कालिया ग्रह के पास कृष्ण को बचाने। ये है हमारे संप्रदाय का भाव कि हम कृष्ण को बचाने के लिए आए, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम कृष्ण को खिलाएंगे पिलाएंगे सुलाएंगे बचाएंगे। तो सामान्य व्यक्ति बोले पागल हो क्या तुम, क्या खिलाएगा, अरे खुद खा नहीं पाता। लेकिन ये भाव है, ये भक्त का भाव है कि हम भगवान को अनेक अनेक प्रकार से सेवा देना चाहते हैं। तो इसलिए जब वो पहुंचते हैं कालिया ग्रह पर तो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर हैं, तो प्रश्न उठता है वो पहुंचते कैसे हैं। ते तत्र तत्रा जयवांकुशासनी ध्वजो पपन्ना निपदानि विश्पदे। वो कृष्ण के चरण कमलों को देख देख कर भाग रहे हैं। अच्छा, ब्रजवासियों की विशेषता क्या है कि वो कृष्ण के चरण कमलों को कभी मिटने नहीं देते, कृष्ण के चरण कमलों को कभी मिटने नहीं देते, कृष्ण के चरण कमलों को देखकर ध्यान पूर्वक उसको देखकर साइड से वो निकल जाते हैं। तो कृष्ण के चरण कमल निरंतर ब्रज के मिट्टी पर, ब्रज के रज पर अंकित रहते हैं। तो कृष्ण के उन चरण कमलों के चिन्हों को देखकर ब्रजवासी
कालिया ग्रह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कालिया कृष्ण को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। सारी गोपियां चिल्लाती हैं, चीखती हैं, यशोदा माई को रोकने का प्रयास करते हैं बलराम जी। सारे ब्रजवासी वहां कूदने के लिए तैयार हैं। जब कृष्ण को ऐसे अवस्था में देखते हैं, ब्रजवासियों का भाव इतना अभिभूत हो जाता है कि वो अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को नहीं देखते। ये भक्ति का भाव है कि ब्रजवासी अपनी क्षमता को देखे बिना केवल यही सोचते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण को बचाने की इच्छा है। तो जब हृदय में कृष्ण की सेवा की इच्छा अपने सामर्थ्य के विचार से परे हो जाता है, तब जाकर हम ब्रज भक्ति को समझ पाते हैं। जब व्यक्ति निरंतर अपने सामर्थ्य के विषय में ही चिंता करता रहता है, सोचता रहता है, वो कभी ब्रज भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इतना भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन बलराम जी उनको रोकते हैं और तब कृष्ण सारे ब्रजवासियों के मनोरंजन के लिए नृत्य आरंभ करते हैं और सारी गोपियां देखती हैं कि अरे ऐसा नृत्य को भी देखा नहीं। और कृष्ण भी सोचते हैं अच्छा मौका मिला है, थोड़ा गोपियों के सामने मैं इंप्रेस करता हूं उनको। और ऐसा जबरदस्त वो नृत्य करते हैं, सारे देवतागण ऊपर खड़े होकर ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं क्योंकि ऐसा नृत्य कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो इसलिए कृष्ण वर्णन करना चाहते हैं कि वृंदावन नटवर, जो नृत्य कर सकता है वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर नृत्य कर सकता है। और तब जाकर कृष्ण विचार करते हैं कि चलो हम इसको छोड़ दें और पूरा जितना विष कालिया के उदर के अंदर भरा रहता है, कृष्ण के पाद प्रहार से वो सारा विष बाहर उगलने लगता है। तो अहंकारवश नास्तिक व्यक्ति भगवान के सामने कभी झुकता नहीं, लेकिन भगवान के चरण कमल और भगवान के थप्पड़ और भगवान की काल शक्ति का प्रहार जब लगता है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी चाहे कितने ही उसके सर क्यों ना हो, वो भगवान के सामने झुकता ही है। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि जबरदस्ती मेरे सामने झुकने के बदले स्वेच्छा से झुक जाओ, प्रेम से झुको, ज्यादा आनंद आएगा, अन्यथा मार मार के झुकाऊंगा तो कुछ लाभ नहीं है उसमें, कुछ मजा नहीं है। और तब जाकर कालिया के सारी पत्नियां वहां उपस्थित हो जाती हैं और सारी पत्नियां भगवान के सामने आकर कहती हैं कालाय काल नाभाय काला वय साक्षिणी, हे भगवान आप काल हो और आप वास्तव में सबके साक्षी हो और इसलिए आप जानते हो कि हमारे पति ने क्या किया, लेकिन हम लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हमारे पति ने इतने बड़े बड़े पाप किए फिर भी आपने उनको इतनी कृपा की। तपः सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्त मानेन समान देना, बहुत बहुत तपस्या करने के बाद अमानीन मान देन भाव रखने के बाद आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होता है। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणुं स्पर्शाधिकार यद्वांछया श्री ललनाचरत तपो विहाय कामान सुचिरं दृढव्रताः। हम विचार नहीं कर पा रहे, कल्पना नहीं कर पा रहे कि हमारे पति जो कि क्रूरता के मूर्तिमान स्वरूप थे, बड़े बड़े इतिहास के क्रूर लोगों में उदाहरण दिया जाता है तो कालिया जैसे, क्रूर हो तो कालिया जैसे, ऐसे हमारे पति इतने बदनाम थे। कस्यानुभावोस्सन देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार, लेकिन आपके चरण कमल के रज का स्पर्श करने का अधिकार उनको प्राप्त हो गया। यद वांछया श्री ललनाचरत तपो, भगवान श्री कृष्ण के रास लीला में प्रवेश करके कृष्ण के चरण कमलों के रज को अपने मस्तक में धारण करने की इच्छा से पूरित लक्ष्मी देवी सनातन काल से चिर काल से तपस्या में लीन है, श्री वन में अब तक उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। हमारे पति जो कि केवल द्वेष के स्वरूप हैं,
उनको ऐसी कृपा कैसे प्राप्त हो गई? विहाय कामान सुचिरम दृढ़ व्रता। तो इसलिए कालिया की पत्नियां क्योंकि वैष्णव थीं, उनके प्रार्थना से भगवान ने ब्रज के कई कई असुरों का विनाश कर दिया, लेकिन कालिया को छोड़ दिया, क्षमा कर दिया। तो परिवार में चाहे कोई भी अगर वैष्णव हो तो परिवार के सभी सदस्यों को उसका लाभ मिलता है, समझ रहे ना? जब मैं भक्त बना उसके बाद मैं भी अपने मद्रास में अपने सभी फैमिली मेंबर्स के लिए प्रोग्राम किया, गोविंद प्रभु को लेके गया, उन्होंने लेक्चर दिया और कहा कि क्योंकि आपके फैमिली में डिवोटी है 21 पीढ़ियां उद्धार हो जाएंगी, तो सब लोग प्रसन्न हो गए, ताली बजाने लगे। फिर लेक्चर के बाद एक कजिन मेरे पास आया, बोलता है भक्ति करते रहना, छोड़ना मत, कोई प्रॉब्लम आएगा तो बताना, आपके भक्ति से हमको लाभ मिल रहा है तो मुझे तो करने की आवश्यकता ही नहीं। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य श्याम सुंदर प्रभु, तो श्याम सुंदर प्रभु को कुछ पूर्व काल के प्रॉब्लम के कारण जेल में जाना पड़ा, तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, कुछ प्रॉब्लम के कारण मुझे जेल में जाना पड़ रहा है। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ? हाँ। वो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे मुझे लगा गाली देंगे। तो प्रभुपाद ने पूछा, क्यों जेल जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं थोड़ा ड्रग्स के साथ डीलिंग करता था, ड्रग डीलिंग। प्रभुपाद ने कहा, मैं भी ड्रग्स में डीलिंग करता था, प्रयाग फार्मेसी चलाता था। फिर प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप लोगों की एक ही योग्यता है कि आपका मेरे साथ संबंध है, और वो संबंध के कारण मैं आपकी योग्यता तैयार कर रहा हूं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप में हमारी कोई योग्यता नहीं, हम सब कालिया के तुल्य हैं, लेकिन हम सभी के लिए श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ कर कि ये भगवान इनको छोड़ दो, मालूम है ये नालायक है, लेकिन फिर भी आपकी कृपा मिले तो भला होगा। तो क्योंकि ऐसे वैष्णवगण ऐसे परंपरा में हमारे गुरुजन प्रार्थना कर रहे हैं, उसके कारण हमारी योग्यता बन रही है, और तब जाकर अभी भी हम लोग भक्ति में लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने बड़े वैष्णव हैं, क्यों कितना बड़ा तिलक लगा रहे हैं हम, उससे योग्यता नहीं आ रही। कहीं पर कोई तो कभी तो हमारे लिए प्रार्थना किया है, प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करेंगे, तब जाकर अभी भी हमारी गाड़ी चल रही है। अन्यथा व्यक्तिगत रूप में देखा जाए तो अपना स्टोरी कालिया जैसा ही है कि नहीं? तो इसलिए ये बड़ा सुंदर कथा दशम स्कंद में आता है, बहुत विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया जा सकता है, लेकिन अभी एक हम लोग इस कथा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कथा के आरंभ में सोच रहा था ये लोग सब स्टेज पे क्यों बैठे हैं करके, हाँ, क्योंकि यहाँ पे सब खाली था, और मैं बोला ये लोग इतने यहाँ पर क्यों बैठ गए, फिर लगा कि शायद कुछ टिकट विकेट दिया होगा। तो आप लोगों का उत्साह देखकर बहुत आनंद आ रहा है कि इतना कथा सुनने के मूड में सब लोग हैं। 7 बजे से 8:30 डेढ़ घंटा तो हो जाता है, फिर बीच में एक इंटरवल और उसके बाद एक और घंटा, तो बिल्कुल एक नया अनुभव है मेरे लिए यहाँ पर बम्बई में। जगन्नाथपुरी में हुआ था हम लोग का कथा कुछ 1-2 साल पहले, एक कलकत्ता के हमारे मित्र हैं अशोक अग्रवाल, उन्होंने करवाया था।
तो उसमें शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक चलती थी कथा पुरी में। तो वो जगन्नाथपुरी में धाम में, और लोग भी करीब 300-400 लोग उनके परिवार के और सब कलकत्ता के सब लोग आए थे। तो उसमें हो जाता है, चलो सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं, और बहुत उन्होंने खर्चा किया था, 1.5 करोड़ खर्चा किया एक हफ्ते में उन्होंने। और एक हमारा ब्रह्मचारी था, वो भी उसमें हेल्प कर रहा था अरेंजमेंट में, और इतना भव्य व्यवस्था देख देख कर वो ब्रह्मचारी भी बहुत इंप्रेस हो गया, और वो पूरा कथा में सामने बैठ के सुनता था। और मंदिर में कभी कथा में इतना उसका रुचि देखा नहीं मैंने। तो मैंने कहा, यार तू तो वैसा काफी चंचल रहता है, यहाँ वहाँ भागता है, यहाँ पर बिल्कुल 4 घंटा मैं वेट कर रहा हूँ, अभी उठेगा, उठ ही नहीं रहा। तो वो कहता है कि अरे इतना खर्चा किया है तो मैं थोड़ी उठूंगा। पूरा वसूल करूंगा। तो माहौल भी और परिवेश भी बहुत महत्वपूर्ण है कथा के लिए अनुकूल। तो इतने सब भक्त लोग पुरुषोत्तम अधिक मास के समय निकाल कर आए हैं, और इतना 10-11 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, तो काफ़ी आयोजन इसमें लगा होगा। और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत के इस कथा प्रसारण में आप लोगों ने इतना योगदान दिया। इसको महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज की स्तुति करते हुए कहते हैं, भूरिदा भूरिदा, है कि नहीं, के तुम्ही करिल मोर हित आचंबिते आसी पियाओ कृष्ण लीलामृत। प्रभु कहे के तुम्ही, आप कौन हो करिल मोर हित, और आप आकर अचानक मेरा हित कर रहे हो। आचंबिते आसी पियाओ कृष्ण लीलामृत, अचानक आकर आप इस प्रकार कृष्ण लीला कृष्ण कथा के अमृत धारा से हम सभी को अभिभूत कर रहे हो, आप कौन हो। राजा कहे आमे तुमार दासे रानुदास भृत्येर भृत्य कर ऐ मोर आश। तो प्रताप रुद्र महाराज कहते हैं कि मैं तो केवल दासों का दास हूँ, और मैं केवल आपके दासत्व को स्वीकार करने आया हूँ। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोरे देह प्रेम धन। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, अगर प्रेम का धन नहीं मिला तो ये जीवन दरिद्रशाली है। दास कोरी और मुझे दास बनाइए, और वेतन मोरे देह प्रेम धन, और उसके बदले में जो वेतन आप दोगे वो प्रेम का धन हो। तो इसलिए ब्रजभूमि वृंदावन की लीला में भगवान ये व्यक्त कर रहे हैं कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की पूजा क्या होती है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम की चाल क्या होती है, प्रेम का नृत्य क्या होता है, प्रेम की भाषा क्या होती है। ये ब्रजवासियों की लीलाओं से, उनके चरित्र से, उनके वचनों से, उनके आदान प्रदान से हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत वास्तव में एक प्रेम का ग्रंथ है। और प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम का अर्थ होता है दर्द, कष्ट, तपस्या। इसलिए प्रेम दर्द से भरा होता है, और ब्रजवासी अपने सभी आदर्शों के माध्यम से हम सभी को इस दर्द का परिचय दे रहे हैं। 11 वर्ष तक कृष्ण ब्रजवासियों के साथ थे, और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों का परित्याग करके चले गए, और कृष्ण के विरह में ब्रजवासी निरंतर भाव विभोर अभिभूत होकर स्मरण कर रहे थे। इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, तो इसलिए कुछ वर्षों का संग और 100 वर्षों का
संगलाभ से विच्छेद। तो इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को अलग अलग कष्ट में डालकर हम सभी के सामने उनके इस भक्ति के अग्नि से स्वच्छ निर्मल तपाए हुए सोने की भांति जाज्वल्यमान प्रेम का परिचय दे रहे हैं कि ये वास्तव में प्रेम है। जब तक अग्नि में जलकर सोना स्वच्छ निर्मल नहीं होता तब तक चमकता नहीं है। वैसे ही भगवान के सेवा में, वैष्णवों के सेवा के अग्नि में जब तक हम जलते नहीं तब तक ये शुद्ध निर्मल हेम रूपी प्रेम का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हम कुछ कमाने आए हैं तो समझना है कि उस कमाने के लिए हमें क्या देना होगा। प्रेम को कमाना हो तो बहुत दर्द अनुभव करने के लिए तैयार होना होगा। ये कोई आसान कार्य नहीं है और इसलिए ब्रजवासियों का ये परिचय यहां पर दिया गया है। बहुत साल पहले हमें जब गोविंदा रेस्टोरेंट हम लोग शुरू कर रहे थे तो महाराज अमेरिका से आकर हम लोग को बोले कि हम लोग पिज्जा खिलाएंगे यहां पर। तो हमने कहा यार पिज्जा का किसी का मूड नहीं है ज्यादा, क्योंकि उस समय जो वहां पर कोई भक्त लोग पिज्जा बनाते थे वो केवल एक ब्रेड को लेकर ब्रेड के ऊपर कुछ टमाटो का चटनी डाल देते थे और टमाटो का चटनी डाल के ऊपर कुछ बैंगन वैंगन डाल दिया और उसको थोड़ा ओवन में डाल के निकाल के बोलते थे यही पिज्जा है। और महाराज भी कई साल तक वही खाते रहे और सब लोग पूछते भी थे कैसा लगा, महाराज भी बोलते अच्छा है। तो हमने कहा कि वो पिज्जा तो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है। महाराज ने कहा वो क्या, तुम लोग जो खिलाते थे मेरे को वो टमाटो का चटनी डाल के ऊपर बैंगन डाल के जो खिला दिया वो उसको वो क्या, हाँ वही तो। महाराज ने कहा दैट इज नॉट पिज्जा, दैट इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ पिज्जा। तो वो पिज्जा नहीं, उसका विकृत प्रतिबिंब है। तो इस भौतिक जगत में लोग जो प्रेम 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 की बातें करते हैं, उपन्यास में भी प्रेम की बात होती है, बॉलीवुड में भी प्रेम की बातें होती है, अधिकांश पिक्चर बनते हैं तो प्रेम का थीम को लेके, दिल दे दिया, दिल ले लिया, दिल ने प्यार किया, दिल तो पागल है, तुम पिक्चर देखने आए तुम महा पागल हो, हम पिक्चर बनाए हम पागल हैं, तुम इसको देखने आए हमसे बड़े पागल आप हो। तो ये दिल दिल को लेकर लोग इतने पागल हैं, बेवकूफ हैं और सोचते हैं कि ये प्रेम जो है ये केवल स्वार्थी सुख है, वही प्रेम है। प्रेम तो वो तत्व है जहां रंच मात्र स्वार्थ जहां उपस्थित न हो। प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादीर्णो करे विचार। चैतन्य चरितामृत में प्रेम की परिभाषा आती है, प्रगाढ़ प्रेम क्या है, निज दुख विघ्न आदिर न करे विचार। तो प्रभुपाद कहते एवरी रिलेशनशिप है स्केयरसिटी इंपेडिमेंट डिस्कम्फर्ट अनहैप्पीनेस। किसी के साथ भी संबंध स्थापित करो कहीं पर कोई कमी होगी, स्केयरसिटी, कहीं कोई बाधा आएगी इंपेडिमेंट, कहीं पर कोई दुख क्लेश होगा डिस्कम्फर्ट अनहैप्पीनेस आने ही वाला है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब हम सेवा का संबंध स्थापित रखें बनाए रखें उसको कहते हैं प्रेम। तो रूप गोस्वामी प्रेम की परिभाषा करते हैं, वेयर देयर इज एवरी रीजन फॉर अ रिलेशनशिप टू बी ब्रोकन स्टिल इट इज नॉट ब्रोकन, दैट इज लव।
तो इसलिए दशम स्कंद की इन लीलाओं में हम लोग देखते हैं कि ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति ऐसा संबंध था। कृष्ण ने जो निर्णय लिया, ब्रजवासियों ने आंख बंद करके उनके निर्णय को स्वीकार किया, और उस निर्णय को स्वीकार करने के बदले में ब्रजवासियों की बैंड बज गई, फिर भी एक व्यक्ति भी कृष्ण को दोष नहीं दे रहा कि तुम्हारे कारण ये हुआ। ये हम लोग कर सकते हैं क्या? तो इसलिए कहता हूं, कृष्ण लीला सुनना आसान है, सुनाना आसान है, अनुभव करने के लिए जीवन भर कसरत करना होगा, तब जाकर मृत्यु से पूर्व अगर कभी कोई अनुभव कर पाए वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कृष्ण का ज्ञान प्रसारण करना आसान है, समझना आसान है, लेकिन अनुभव करना बहुत कठिन है। तो इसलिए यहां गोवर्धन लीला का तत्व देखिए, सबसे पहले वर्णन आता है, ब्राह्मण पत्नियों की लीला आती है। तो ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण के पास कृष्ण भेजते हैं, ग्वाल बाल मित्रों को जाओ भिक्षा मांग के लाओ, मना कर देते हैं, ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजते हैं। तो पत्नियां किसी प्रकार से, कोई पंडित नहीं कुछ नहीं, तुरंत तैयार हो जाती हैं। चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजनई अभिश्रुमुदम सर्वा समुद्रम इव निम्नगा, तुरंत मान जाते हैं, चलो कृष्ण ने मांगा दे दो, दे दिया। और उसके पश्चात सारे ब्राह्मण पत्नियां उन सब बड़े बड़े विशाल पात्रों को लेकर पहुंच जाती हैं। और कृष्ण निषिध्यमाना पति भी भ्रातृ भी बंधु भी सह भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशया। ब्राह्मण उनको रोकते हैं, मत जाओ, निषिध्यमाना पति भी, पतियां उनको रोकते हैं, भ्रातृ भी भाइयां उनको रोकते हैं, बंधु भी बंधु उनको रोकते हैं, लेकिन फिर भी उन सभी के रोकने पर भी इन ब्राह्मण पत्नियों के भाव को कोई रोक नहीं पाता। भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुतधृताशया, इन ब्राह्मण पत्नियों के हृदय के अंदर ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा आस्था कहां से उत्पन्न हुई? दीर्घ श्रुत धृताशया, क्योंकि दीर्घ काल तक उन्होंने कृष्ण लीला सुनी थी, कृष्ण की महिमा सुनी थी, कृष्ण की कथा से वो अभिभूत थे, कृष्ण के गुणों को वो अपने हृदय में स्वीकार कर चुके थे, ग्रहण कर चुके थे। दीर्घ श्रुत धृताशया, इसलिए कृष्ण के चरणों के प्रति निर्बाध सेवा करने के लिए हृदय को कृष्ण कथा सागर में डुबाना है, निमग्न करना है। एकांत लाभम वचसोन पुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। वाणी की सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है? कि कृष्ण की कथाओं का वर्णन करना। श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। और हमारे कर्णेन्द्रियों के श्रेष्ठतम लाभ क्या है? कि वो कृष्ण कथा के निकट हो और कथा श्रवण करने का लाभ मिले। तो दीर्घ काल तक, क्योंकि उन्होंने कृष्ण कथा का श्रवण किया था, कृष्ण के प्रति एक आस्था थी, और बाधा आने पर भी दृढ़ता पूर्वक उन बाधाओं के ऊपर आक्रमण करके उनको लांग लिए और कृष्ण तक पहुंच गए। भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशया। इसीलिए हमें समझना है कि भगवत भक्ति में कई बाधाएं आएंगी, और जब ये बाधाएं आए तो केवल कृष्ण कथा के माध्यम से ही उसको हम लांग सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो न्यूयॉर्क में इस्कॉन के विरोध में केस बना कि ये ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, ब्रेन वॉशिंग करने के लिए पहले ब्रेन होना चाहिए तुम्हारा।
ब्रेन है ही नहीं तो वॉश क्या करेंगे। तो कोर्ट केस चालू किया तो भक्तों ने प्रभुपाद को कहा कोर्ट केस अभी कैसे लड़ें। प्रभुपाद ने कहा लॉयर वॉयर को मारो गोली, खुद हम लोग केस लड़ेंगे। टेंपल प्रेसिडेंट को कहा तुम खड़े हो जाओ और तुम फाइट करो। बोला यार मैं क्या फाइट करूं। प्रभुपाद बोले मेरे सारे ग्रंथ लेके जाओ कोर्ट में रख दो वहां पर, और वो सामने वाला कुछ भी बोले तुम उत्तर भागवत से दो, पहला कैंटो पहला चैप्टर पहला श्लोक, एक घंटा लेक्चर दो। स्थापित करो, ये ब्रेन वॉशिंग नहीं है, शास्त्र के ऊपर आधारित है, प्राचीन ज्ञान है। अगले दिन केस में दूसरा श्लोक पे कथा करो, तीसरा दिन तीसरे श्लोक पर, कन्वर्ट कोर्ट केस इनटू भागवतम क्लास। एक सप्ताह के बाद जज भी घबरा गया, बोला यार आपका एविडेंस और कितना है। भक्त बोला सर साथ ही श्लोक हुए हैं 18,000 हैं। जज बोला ये तो खतरनाक है, ऐसा चला तो बुरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा अपने को। उन्होंने अपने मित्र को फोन किया, हार्वर्ड में बहुत बड़े डिविनिटी प्रोफेसर थे, कहा कि हरे कृष्णा के बारे में क्या ख्याल है। बोले हरे कृष्णा इज ऑथेंटिक रिलीजन। तो प्रोफेसर जो थे बहुत बड़े व्यक्ति थे, प्रभुपाद के बुक्स उनको मिले थे, उन्होंने घोषणा कर दी तो तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया और कह दिया इस्कॉन इज अ बोनाफाइड रिलीजन, वर्डिक्ट दे दिया। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कोई अच्छा कार्य करने जाओ चुनौती तो आएगी, बाधाएं तो आएंगी, उसको देखकर घबरा गए तो आगे नहीं चल सकते। इसलिए ब्राह्मण पत्नियों ने अपने हृदय में कृष्ण के प्रति इतनी आस्था व्यक्त की। तो भगवान कहना चाहते हैं कि चाहे जितने ब्राह्मण थे उनके अंदर इतनी विद्वत्ता थी, विपुल विद्वत्ता थी, यज्ञ अनुष्ठान करने में इतने निपुण थे, लेकिन फिर भी श्रद्धा नहीं थी। पश्यदेतान महाभागान परस्यैकांत जीवितान वात वर्ष आतप हिमान सहंतो वारयन्ति न। तो भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों को ब्रज के वृक्षों को दिखाकर दर्शन करा के कहते हैं, अपनी उंगली से दृष्टिपात करके कहते हैं कि देखिए ये ब्रज के वृक्षों की महिमा। पश्यदेतान महाभागान, ये सारे वृक्ष नहीं ये महात्मा गण हैं। क्यों? परस्यैकांत जीवितान, ये केवल परोपकार के लिए जीवन जीते हैं। एकांत जीवितान, ये वृक्षों के जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, दूसरों की सेवा। वात वर्ष आतप हिमान सहंतो वारयन्ति न। हम लोग सभी जगत में भटकते हुए घूम रहे हैं चिंता हो चिंता लेकर कि मैं महान कैसे बनूं, जगत में मेरी चर्चा कैसे हो, लोग हमारे सामने झुके कैसे, हम फेमस कैसे हो जाएं, ऐसा सोच के जो दुनिया चल रहा है। अरे लेकिन बाहर खड़ा हुआ बरगद का वृक्ष दिन रात मार खा रहा है, कभी धूप हो कभी वर्षा हो कभी ओलेपात हो चाहे बर्फ गिरे, अलग अलग प्रकार से उत्पात आक्रमण हो, ये वृक्ष इन सभी आक्रमणों को सहन करके अपने आश्रित अधीनस्थों को केवल सुकून देता है। कभी ये नहीं सोचता कि मैं जिनको सुकून दे रहा हूं उनसे कुछ वेतन लूं, उनसे कुछ कर लूं, उनके अंदर व्यवसाय वृत्ति नहीं, वो हृदय में बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा में लगे हैं। क्या भाव है वृक्षों का,
ऐसे करोड़ों करोड़ों वृक्षों को हम देखते हुए जाते हैं, कभी एक क्षण रुककर उनको प्रणाम भी नहीं करते। हमको लगता है हम कितने महान है, ये वृक्ष क्या है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं अरे मेरी दृष्टि में तो ये ब्रज के वृक्ष इतने महान है। वात वर्ष आतप हिमान सहंतो वारयंती न, ये ब्रज के वृक्ष महान क्यों है? क्योंकि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो चाहे कोई किसी प्रकार के परिवार में जन्मा क्यों न हो, चाहे किसी की इतनी शैक्षणिक योग्यता क्यों न हो, चाहे किसी की इतना सामर्थ्य सत्ता शक्ति क्यों न हो, मैं इसको इतना महत्व नहीं देता जितना हृदय में निस्वार्थ भाव के साथ कोई सेवा करे। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेयः आचरणम सदा। तो कृष्ण घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, कलयुग के जीवों, आप लोग अपने जीवन को सफल करना चाहते हो ना, आपको क्या लगता है नौकरी करके वेतन पाके व्यवसाय करके आप अपना जीवन सफल करोगे? मेरी दृष्टिकोण में यह सफलता नहीं है। हो सकता है आपके समाज में ये हो प्रमाण, ये दंड हो मापदंड हो, हो सकता है कलयुग के लोगों में ये भाव हो, ये भ्रम हो कि ये सफलता है। आर्थिक विकास, सामाजिक स्वीकृति इत्यादि इसको लोग मान देते होंगे, लेकिन मैं इसको कोई मायने नहीं देता। मैं कृष्ण केवल हृदय के अंदर निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करने वाले व्यक्ति को मानता हूं, और ये जीवन की सफलता है। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर धिया वाचा श्रेयः आचरणम सदा। जो अपने प्राण अर्थ धिया वाणी इत्यादि से निस्वार्थ भाव के साथ समाज की सेवा करे, भक्तों की सेवा करे, अन्यों की सेवा करे, जिनके हृदय में किंचित मात्र स्वार्थ भाव विहीन हो, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, ये जीवन की सफलता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण परिचय स्तुति कृष्ण का ब्रज के वृक्षों का हो रहा है। और आचार्यगण कहते हैं ये ब्रज के वृंदावन के वृक्षों की स्तुति ब्राह्मण पत्नियों के उद्धार और गोवर्धन लीला के पूर्व आना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और इंद्र अर्थात स्वर्ग के नेता, स्वर्ग के देवता और इस भूतल के देवता, ब्राह्मणों को कहते हैं भूतल के देवता। तो भगवान कहना चाहते हैं कि कोई स्वर्ग का देवता क्यों न हो, कोई इस भूतल का देवता क्यों न हो, कोई देवलोकों में इंद्र जैसा श्रेष्ठ जन्म पाया हुआ देवता क्यों न हो, इस भूतल पे श्रेष्ठ जन्म पाया हुआ ब्राह्मण क्यों न हो, लेकिन उच्च जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। वृक्षों को नीच जन्म का माना जाता है, भले उनका जन्म नीच हो लेकिन उनके कर्म इतने ऊंचे हैं, उनका भाव इतना श्रेष्ठ है कि आई वुड रादर प्रिफर अ लो बॉर्न ट्री देन अ हाई बॉर्न ब्राह्मण और अ हाई बॉर्न डेमिगॉड लाइक इंद्र। मेरे लिए ये ब्राह्मण फेल है, इंद्र फेल है, ये वृक्ष को मैं अपने सर पर धारण करता हूं। तो इस भाव के साथ भगवान ये गोवर्धन लीला का परिचय देते हैं। और गोवर्धन लीला आरंभ कहां हुई? ब्राह्मण पत्नियों का जो गांव था वहीं पर यह चर्चा आरंभ होती है।
तो प्रसंग आरंभ होता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र नंद महाराज को यज्ञ अनुष्ठान की तैयारियां करते हुए देखते हैं और कृष्ण के मन में यह प्रश्न उठता है। सबके सामने कृष्ण प्रश्न करते हैं कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी तैयारी चल रही है। तो इसके उत्तर में नंद महाराज बड़े प्रेम से उनको समझाते हैं, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्ते ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। तो नंद महाराज कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्र, देखिए हम लोग सब वैश्य हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्य के ऊपर निर्भर हैं। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक घास नहीं उगेगा, प्राणी को जल नहीं मिलेगा, तो हम लोग अपना व्यवसाय कैसे करेंगे। तो हम लोगों का 100% इंद्र के ऊपर निर्भर होना अनिवार्य है, इसीलिए हम लोग इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, इंद्र की हम लोग पूजा करते हैं। तो ये सदियों से हम चले आ रहे हैं, सदियों से ये कार्य करते आ रहे हैं, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण उनकी वाणी को सुनकर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलियते। सबसे पहले कहते हैं कि जब व्यक्ति अपना कर्म करे तब तो फल पाएगा, कर्म नहीं करेगा तो फल कैसे पाएगा। तो ये बीच में इंद्र कहां से आ गया, वर्क इज वर्शिप है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण अब अलग अलग प्रकार के नास्तिकवाद के प्रस्ताव रखते हैं। इंद्र को छेड़ने के लिए कृष्ण नास्तिक प्रस्ताव नंद महाराज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि यही एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वर्क इज वर्शिप। कई लोग इस्कॉन के डिवोटीज को भी कहते हैं अरे आप लोग क्या कर रहे हो, केवल दिन रात भजन करते रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ नौकरी क्यों नहीं कर लेते। ट्रेन में मैं जा रहा था, सुबह के समय जप कर रहा था, सामने एक सज्जन लेटे हुए थे, मैं बहुत धीरे धीरे जप कर रहा था फिर भी वो मंत्र उनके अंदर घुस रहा था। बहुत प्रयास करके उन्होंने अपना रजाय वजाय ओढ़ा, उनको लगा रजाय ओढ़ लेंगे तो फिर मंत्र उनको परेशान नहीं करेगा। महामंत्र तो वैकुंठ को भेद देता है, भौतिक जगत को भेद कर वैकुंठ तक चला जाता है, रजाय क्या चीज है। तो कुछ समय प्रयास करके सोचा कि नहीं होगा, उठ के बैठा, मुझे देखा, बोलता है अरे सुबह सुबह कृष्णा को तो सोने दे यार। तो कई बार लोगों को लगता है क्या लोग लगे हुए हैं, हरे कृष्ण कुछ काम करो तब तो कुछ होगा। एक हमारे आश्रम में सज्जन ज्वाइन हुए तो उनके पिताजी आ गए और झगड़ा करने लगे, मेरा बेटा ये उम्र में आ गया मंदिर में, वो जब मेरे उम्र का होगा तब आना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है बच्चे को जाने तो आप आ जाओ। वो घबरा गए, घर पे पूछना होगा। अगले दिन आए, बोले हमने घर पर चर्चा की, बेटे को ही रहने दो। तो यहां कृष्ण कह रहे हैं कर्म ही पूजा है। फिर कृष्ण कह रहे हैं कि अरे भैया जो प्रकृति के तीन गुण हैं वो तीन गुणों के अधीन ये मेघ वर्षा कर रहे हैं, तो इसमें ये इंद्र कहां से आ गए, वो कहां से उसका नियंत्रण बीच में आ गया। और फिर वो कह रहे हैं कि हम लोग सब आपस में यहां पर इस कार्य में लगे हुए हैं, इस कार्य में बीच में इंद्र को कहां से लाते हैं। तो इस प्रकार
भगवान अलग अलग प्रस्ताव रखते हैं और सारे ब्रजवासियों को भ्रमित कर देते हैं। महेंद्र किम करिष्यति, भगवान कहते हैं ये सब जो हो रहा है इसमें ये महेंद्र कहां से आ गया, इंद्र कहां से आ गया? अरे पानी जो सागर का वो ऊपर गया, ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, ये इंद्र कहां से बीच में आ गया? और कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेक्चर दे रहे हैं और इंद्र ऊपर बैठकर ये सब सुन रहा है, उसका खून खोल रहा है, ये क्या छोटे से बच्चे को क्या हो गया? तो भगवान इस लीला के माध्यम से परिचय देना चाहते हैं कि इंद्र मेरा सेवक है, इंद्र वैष्णव है, सेवा में लगा है, लेकिन मेरी सेवा में लगे होने पर भी कुछ समय के पश्चात अहंकार प्रचुर हो जाता है। बहुत समय तक हम कोई एक सेवा करते रहते हैं तो कभी कभी हम उस सेवा के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं किसकी सेवा कर रहे हैं। सेवा प्रधान बन जाती है और सेवक प्रधान बन जाता है और सेव्य को हम भूल जाते हैं। सेवा, सेवक और सेव्य, तो ये गोवर्धन लीला किस बात का परिचायक है कि सेवक कभी कभी सेवा में इतना संलग्न हो जाता है कि सेव्य को भूल जाए, ऐसा संभव है। और इसीलिए ये लीला किसी असुर की लीला नहीं है। इंद्र क्या है, वैष्णव है, कृष्ण के ही सेवक हैं। और प्रथम स्कंद भागवत में वर्णन आया है कि जो अलग अलग अवतारों के अंत में वर्णन आ रहा है, इंद्राणि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, कृष्ण प्रकट होते हैं अवतारों के रूप में किस लिए? इंद्र के शत्रुओं का दमन करने। इंद्र कृष्ण के ही पार्टी में है, इंद्र कृष्ण के ही दास हैं, लेकिन कृष्ण के दास होते हुए भी एक दास का दूसरे दासों के साथ कभी कभी मतभेद हो सकता है, कलह हो सकता है। लोग कहते हैं अरे हम इस्कॉन में आए बहुत अपेक्षा लेकर, यहां हम देखते हैं कि डिवोटी डिवोटी के बीच में झगड़ा लगा हुआ है, ये क्या चल रहा है? ये तो हमारी अपेक्षा नहीं थी कि वैष्णवों के बीच में ऐसा व्यवहार उचित नहीं। अरे भागवत खोल के देखो भैया, ऐसा कौन सा स्कंद है जिसमें वैष्णव वैष्णव के बीच झगड़ा नहीं है, भरा हुआ है। भगवान बता रहे हैं कि भैया मैं जब था मेरे सामने डिवोटीज का झगड़ा हो रहा था, तो मैं नहीं हूं सामने तो फिर क्यों नहीं होगा? तो इंद्र किसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं? सारे ब्रजवासियों के ऊपर, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बारह नहीं, करोड़ों की संख्या में जितने ब्रजवासी थे सबके ऊपर इंद्र अपना द्वेष निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन वैष्णवों का दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से भिन्न है, बस इसीलिए मैं समाप्त कर दूंगा। यह है अहंकार की शक्ति। योर ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम माई ओपिनियन, आई विल फिनिश यू। यह है इंद्र का भाव। यह कैसा मतभेद है? अभी तक आप मेरी सेवा करते थे, मेरी पूजा करते थे, अब अचानक ये कृष्ण कहां से आ गया? इंद्र भूल गए मैं किसका सेवक हूं, मैं भी कृष्ण का सेवक हूं। तो इस संपूर्ण गोवर्धन लीला में, ये तो बहुत विस्तृत लीला है, इसका तो हम लोग परिचय भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुख्य तत्व क्या है कि अहंकार का ऐसा पर्दा छाता है कि उस अहंकार के पर्दे के अंतर्गत वो सेवक को समझता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। और तब कृष्ण इस पर्दे को फाड़ने के लिए इस लीला को रचाते हैं। तो ये गोवर्धन लीला में जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं उंगली के, बाएं हाथ के छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया,
उससे अधिक उन्होंने इंद्र के हृदय के अंदर जो अहंकार था उसको उठाया। इस अहंकार को दूर करना आसान नहीं, बहुत कठिन है। प्रभुपाद की एक सेविका थी, प्रभुपाद के लिए कुकिंग कर रही थी, एक समोसा बनाया प्रभुपाद जी ने खा लिया, दूसरा बनाया वो भी खा लिया, तीसरा बनाया वो भी खा लिया, तो बोलने लगी अरे आप जर्नी के लिए प्रसाद पैक कर रहे हो तो जो मैं बना रही हूं खाते जाओगे तो कितना खाओगे? तो प्रभुपाद ने कहा जितना बनाओगे उससे अधिक खा लूंगा। तो उनको लगा कि अरे प्रभुपाद को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो कहती है प्रभुपाद को, प्रभुपाद आपका फेवरेट कुक कौन है, किसका कुकिंग आपको सबसे अच्छा लगता है? और प्रभुपाद ने कहा मेरा खुद का। तो उसको लगने लगा था कि शायद प्रभुपाद कहेंगे आप ही सबसे महान हो, आप ही सबसे श्रेष्ठ हो। तो इसलिए जब हम लोग वैष्णव के संग में सेवा आरंभ करते हैं, सेवा जब आरंभ करते हैं तो हमको सेव्य याद रहता है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस है, कृष्ण है, भगवान है। लेकिन जैसे हम सेवा करते चले जाते हैं, यदि हम नियमित रूप से स्मरण न करें, विचार न करें, मनन न करें, कई बार भूल जाते हैं कि मैं सबसे महान व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं और मैं तुच्छ हूं, मेरी सेवा तुच्छ है, मेरे सेव्य महान है। उसके विपरीत हम लोग सोचने लगते हैं मेरे सेव्य तुच्छ हैं, मेरी सेवा महान है, क्योंकि सेवक नंबर वन है। और जब सेवक को लगने लगता है कि सबसे ऊपर सेवक, फिर उसकी सेवा, और वो सेव्य कहीं तो है। तो ये है गोवर्धन लीला। तो भगवान को इसको उल्टा करने के लिए गोवर्धन उठाना पड़ता है। तो इसलिए इंद्र बेचारे सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों ने जो इतने वर्ष किए, इतने वर्ष जो इंद्र को पूजा की, वो पूजा इंद्र को छोड़कर कृष्ण की पूजा करने लगे हैं। एक दृष्टि से आप और हमको यहां कथा सुनते हुए अभी 10 ही मिनट में कथा समाप्त होने वाली है, तो हमको लगता है ठीक है यार, क्या प्रॉब्लम है, पहले इंद्र को करते थे अभी कृष्ण को किया, मेरा क्या जाता है, अपने को तो 10 मिनट में सोना है जाके, अपने लिए मैटर है ही नहीं, क्योंकि अपना क्या गया, अपना कुछ नहीं गया। आप तो सोच रहे ठीक है जो भी हो, इंद्र हो या कृष्ण हो, प्रसाद तो मिलेगा अपने को नीचे अपना सदाशिव जी की कृपा से, तो चाहे ये हो या वो हो क्या फर्क पड़ता है। तो कई बार हम लोग जब कथा सुनते हैं तो लगता है पता नहीं प्राचीन काल के किसके लिए वो कथा थी, ठीक है यार अपना तो जीवन चल रहा है, लेकिन भूल जाते हैं कि अपने साथ जब होता है तो लाल पीला हो जाते हैं। अब तक जिसकी सेवा हो रही थी, जिसकी पूजा हो रही थी, उसके बदले में अगर दूसरे को सेवा पूजा होने लगती है, मन छटपटाने लगता है ये क्या हो रहा है। तो ये केवल इंद्र की गति नहीं है, हम सभी की गति है। और जब ऐसा होता है तो फिर जो रेस्पॉन्स अंदर से हमारा आता है वो अहंकार से प्रेरित होगा, तो इंद्र ने जो किया वैसा हम करेंगे। कैसे? आक्रमण। इंद्र के पास तो संवर्तक बादल थे आक्रमण करने के लिए, अपने पास तो वो है नहीं, अपने पास केवल जिह्वा है, तो जिह्वा से ही आक्रमण कर देते हैं, बुरा भला कुछ कह देते हैं। आजकल जिह्वा नहीं तो ईमेल है, व्हाट्सएप है,
गाली देने के लिए बहुत सारे हमारे पार्षद हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग प्रतिकार व्यक्त करते हैं, लेकिन भाव वही है, मेरी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, किसी और का सम्मान हुआ, अभी तक मुझे यह सम्मान प्राप्त हो रहा था, अब उसको कैसे हो सकता है, यह मेरे लिए स्वीकार नहीं है। तो इसको भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन लीला के माध्यम से उठाए, गिरिराज जी को धारण किया और 7 दिन 7 रात तक इंद्रदेव पटक रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। अब सोचिए ब्रजवासियों के ऊपर इतना भयंकर आक्रमण हुआ, अभी आप लोग इतना कष्ट करके अपना घर बार तैयार किए हो, आजकल बंबई में एक एक फ्लैट लेना कितना कठिन है, घर, आपका धन, आपका परिवार, आपकी संपत्ति, और जब इंद्र ने आक्रमण किया और ब्रजवासी सदियों से इंद्र की सेवा कर रहे हैं, किसके कहने पर इंद्र की सेवा बंद की? कृष्ण के। और जैसे ही कृष्ण ने जो कहा उसको माना, तुरंत क्या हुआ? भयंकर ओलापात, ऐसा प्रचंड वर्षापात हुआ, ऐसा वज्रपात हुआ कि सब भागते हुए गए, घर तो दूर की बात, सब बर्बाद हो गए, सब बेघर हो गए, सब गोवर्धन के नीचे आ गए। अच्छा, हम लोग अगर गोवर्धन के नीचे होते तो देखते रहते अपने घर में पानी गया क्या। क्योंकि शरीर गोवर्धन के नीचे है लेकिन मन अर्थ में लगा रहेगा। तो यहां ब्रजवासी परमार्थ के सामने खड़े हैं लेकिन उनका मन भी परमार्थ में है, स्वार्थ में नहीं है। क्योंकि अगर स्वार्थ में होता तो केवल शारीरिक रूप में गोवर्धन के नीचे खड़े होने से क्या होगा। और हम लोग प्रतिदिन देखते ही हैं कि मंदिर में आते हैं शरीर को लेके, लेकिन मन मंदिर में नहीं रहता, कहीं और घूमता रहता है। तो ब्रजवासियों में से किसी एक ब्रजवासी ने उठाया नहीं मैटर, यार ये कृष्ण क्या क्या आइडिया देते रहते हैं, कृष्ण ने आइडिया दिया इसलिए देखो बर्बाद हो गए, और सारे ब्रजवासी मिलकर कृष्ण के ऊपर आक्रमण नहीं कर दिए कि अब तक ब्रज में कितनी शांति थी, देखो उल्टा पुल्टा डिसीजन देते रहते हो। सब लोग प्रेम से स्वीकार किए, इतना अत्याचार हो रहा था, वो 7 दिन में ब्रजवासियों को गोवर्धन के नीचे पता नहीं था कि 7 दिन में ये खत्म होने वाला है कि नहीं? ऐसा नहीं कि वहां पर कृष्ण ने कह दिया 7 दिन चलेगा ड्रामा, बैठे रहना सब हो जाएगा। जब अनिश्चितता के परिवेश में जब आपातकालीन परिस्थिति आती है तब वो हमारे श्रद्धा की परीक्षा होती है, और तब क्या हम कृष्ण के ऊपर भरोसा रख के अपना कार्य कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर खड़े हैं और ब्रजवासी भी केवल कृष्ण को देखकर सब कुछ भूल गए। तो कृष्ण कहना चाहते हैं इस जगत में चाहे कितनी योजना बनाओ पिटाई तो होगी, लेकिन मेरे कथा, मेरे कीर्तन, मेरे दर्शन में आप अपना मन लगाए रखो, देखते ही देखते आपातकालीन परिस्थितियां की वर्षापात समाप्त होगी, सूरज उगेगा और फिर सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ेगी तब मुझसे भागकर मुझे दोष देकर गालियां मत दो, मेरा आश्रय लो। तो ब्रजवासी ऐसे आक्रमण पर कृष्ण को गालियां नहीं दिए, कृष्ण का आश्रय लिए। ये नहीं कहा कि अरे कृष्ण तुम्हारे साथ संबंध जोड़कर भी हम लोग पिटाई ही हो रही है हमारी। तो हम लोग देखते हैं कि इतनी कथाएं हम लोग सुनते हैं लेकिन जब अपने जीवन में थोड़ा उथल पुथल मच जाता है सब भूल जाते हैं, पूरा सर्किट आउट हो जाता है, गालियां देने लगते हैं।
फिर जब कथा कोई सुनाता कहता अरे ये सब तो यार वो ब्रजवासियों के लिए था, अपने लिए नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वो बताओ। तो इसलिए इन सब कथाओं को समझना आवश्यक है। अब हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी लंका में हीरो, रामायण में रावण के युद्ध में हनुमान जी का नंबर वन है कि नहीं, बाकी सारे योद्धाओं के सामने हनुमान जी सबसे आगे। और वही हनुमान जी वो सेवा छोड़कर जब अगले युग में आए, द्वापर युग में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भी हनुमान जी को सेवा मिली, कहां मिली, अर्जुन के रथ पे नहीं, ध्वजा पे। रथ पे तो फिर भी कुछ है औकात, ये तो ध्वजा के ऊपर हिल रहे हैं हवा के साथ ध्वजा पे। और सेवा क्या है, बीच बीच में जोर से चिल्लाओ। जो पिछले युग में सबसे बड़ा हीरो रहा है, हर प्रकार से उन्होंने लोगों को मार मार कर समाप्त किया है, और रावण को भी समाप्त करने का प्रयास किया, सारे असुरों का संहार किया, और रामचंद्र जी के बिल्कुल राइट हैंड बन के चले, और अगले युग में उनको कह दिया जा बेटा बैठ ऊपर, और भगवान ने निश्चय किया कि इस युग में हमारे हीरो होंगे अर्जुन। तो हनुमान जी हीरो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने रावण को आक्रमण किया और राक्षसों को मारा। हनुमान जी हीरो क्यों है, क्योंकि एक बड़ी सेवा भी उनसे छीन कर अब केवल एक छोटी सी कोने की एक सेवा दे दी, लेकिन जो सेवा मिली उसी उत्साह से कर रहे हैं। सेवा बदल गई लेकिन सेवा भाव बढ़ता चला गया। सेवा बदलने पर जब सेवा भाव कम हो जाए तो वो सेवा नहीं थी, वो अहंकार का व्यक्तिकरण था। तो क्या हम अहंकार को व्यक्त कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, उसकी परीक्षा तब होती है जब सेवा में परिवर्तन आता है। और देखिए हनुमान जी ऊपर से बैठकर देख रहे हैं युद्ध, बीच में एक भी बार एडवाइस नहीं दिया अर्जुन को, अरे ऐसा कर दे यार, अर्जुन मेरे को केवल एक दिन दे दे, खत्म कर दूंगा सबको, इतना क्या अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं, एक बार मैं नाचूंगा इनके ऊपर सब हो जाएगा। तो ये है हनुमान जी का भाव। तो इसलिए ये जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये वास्तव में हम लोगों के अहंकार को कम करने के लिए है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आईआईटी में भक्ति रसामृत महाराज ने कहा कि ये जगाई और मधाई जब शुद्ध भक्त बन गए, पूरा बंगाल भक्त बन गया। तो मैं भी गया अपने हॉस्टल में, और मेरा एक मित्र था जो हमेशा पिया रहता था, मैंने कहा उसको लेके जाता हूँ डिवोटी बना देता हूँ, अगर वो डिवोटी बन गया पूरा आईआईटी डिवोटी बन जाएगा। तो मैंने उसको कहा मेरे मित्र को चल शनिवार को प्रोग्राम में चलना है, वो बोलता क्या प्रोग्राम, मैंने कहा भगवद गीता का लेक्चर है, वो कहता पिया हुआ है क्या तू, अरे किसको बुला रहा है मेरे को, मैंने कहा अरे वाल्मीकि का भी था एक इतिहास, क्या है उसमें, हर एक व्यक्ति बदल सकता है। वो कहता हाँ चलूंगा एक शर्त पर, बोला क्या शर्त, मैं अपने साथ दारू का बोतल लेके चलूंगा। उसको लगा कि मैं बोलूंगा छोड़ दू मत आओ, बोला इस्कॉन वाला दारू का बोतल लेकर प्रोग्राम में बैठने देगा क्या। तो मैंने सोचा यार पहली बार किसी को बुला रहा हूं और वो ऐसा निकला, तो मैंने सोचा मंदिर फोन करके पूछता हूं अलाउड है क्या, फिर मुझे डर लगा मंदिर वाले बोलेंगे तू भी मत आ किसको पकड़ के ला रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मेरे रिस्क पे आ जाओ, आ गया हमारे साथ। और जब प्रोग्राम में घुसने वाला था मैंने कहा रे कम से कम बोतल अंदर मत लेके जा, बाहर रख दे यहां पर। वो कहता है इस्कॉन वाला पी तो नहीं जाएगा, मैंने कहा बेचारे ये लोग चाय कॉफी तक नहीं पीते, क्या बात कर रहा है, इसको रख दे यहां पर।
रख दिया। फिर मैंने कहा मेरा भी शर्त है, बिल्कुल मुंह बंद, मुंह खोलेगा नहीं, खोलेगा तो बदबू आएगा, मैं फंस जाऊंगा। तो अंदर गए, भक्ति रसामृत महाराज उनको पूछते नाम क्या है, मैं उत्तर दिया इसका नाम ये है। कौन से क्लास में, मैंने उत्तर दिया। कौन से ब्रांच में, मैंने उत्तर दिया। बोले प्रश्न इसको पूछ रहा, उत्तर ये क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा प्रभु ये बहुत शर्माता है, लेक्चर के बीच में मेरे को पूछता है वो, और कितना देर लेक्चर देंगे, खाना कब मिलेगा। मैंने कहा अभी टाइम है भैया, इस्कॉन का प्रोग्राम है, लास्ट में मिलता है। वो बीच में गया, बाकी का बोतल खत्म करके आया। अब प्रोग्राम के अंत में फिर उनको माला दिया तो बोलता हाँ मैं माला करूंगा। हॉस्टल गया, एक हाथ में बोतल एक हाथ में माला, बोलता मैं इस्कॉन ज्वाइन हो गया। अब सब लोग मेरे को कह रहे हैं ये कौन आदमी को तुम लोग लेके आए, क्या सिखाते हो इस्कॉन में तुम लोग। एक हफ्ता लगा मुझे वो माला वापस लेने के लिए। तो इसलिए हम लोगों को ये अवसर मिला है भक्तों के संग में भजन करने का, कथा करने का, कीर्तन करने का। ये सब किस लिए, सेवक बन के रहने के लिए। तो इसलिए गोवर्धन लीला क्यों रचाई गई, क्योंकि सेवक को सेवा याद थी लेकिन वो सेव्य को भूल गया। हम गिरिराज जी से यही प्रार्थना करते हैं, गिरिधारी गोवर्धन धारी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जीवन भर सेवा करें, सेवक बन के और सेव्य को निरंतर स्मरण करके, और ऐसे वैष्णवों के चरणों तले हम नतमस्तक होकर जीवन यापन करेंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही भक्तिमय होगा। कथा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।